أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. सूरह अल फुरकान है जी, आयत नंबर 21 से आज हम पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये सूरह जो है तौहीद पर बड़ी ही अजीम सूरतों में से है, तो मौजू यही चल रहा है कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि कयामत के दिन जब हमारे सामने मुशफिक हाजिर हो किए जाएंगे, हम उन लोगों को बुलाएंगे जिन्हें वो पुकारते थे, तो वो लोग बरी जिम्मा हो जाएंगे, वो ऐलान बरात कर देंगे कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। तो हम उनसे कहेंगे अब क्या करोगे, अब तो तुम्हारे लिए अजाब का फैसला हो चुका जो टल नहीं सकता, तुम्हारे पास जराए भी नहीं है, तुम्हारा मददगार भी नहीं है, और जिन पर तुम्हें बड़ा भरोसा था और जिनको तुम मेरा शरीक बनाकर बैठे हुए थे, उन्होंने तो आज तुम्हारी इबादत का इनकार कर। आगे बात चल रही है, अल्लाह फरमाते हैं वकाल लजीना, वो कहते हैं वो लोग, ला यरजूना, जो उम्मीद नहीं रखते, लिखा आना हमारी मुलाकात, लौला क्यों नहीं उंजिला उतारा गया, अलैना हम पर अल मलाइका, तू फरिश्तों को। जो लोग हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, यानी के जो आखिरत के इनकारी है, वो कहते हैं हर फरिश्ते नाजिल क्यों नहीं हुए हम पर, औ नरा रब्बना, या हम अपने रब को देख लेते। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं ना कि अगर अल्लाह ने नबी उतारना था तो वो फरिश्ता भेज देता, फरिश्ते आते किताब लाते हमारे सामने आ जाते, हमें भी पता लगता कि हाँ जी कोई खुदा है कोई रब है। या अल्लाह आपको क्यों नबी बना रहे हैं, यानी कि अल्लाह बराह रास्त हमें बता देते, हमसे बात कर लेते, हमारे सामने आ जाते। लकद बेशक इस तकबरू, झूठी बड़ाई अख्तियार कर रखी है, तकबुर होता है हकीकी बड़ाई, और इस्तिकबार होता है दावा करना बड़ाई का बगैर किसी हक के। तो अल्लाह जो है वो तो अकबर है, अल्लाह अकबर, अल्लाह तो बड़ा है, अल्लाह सुबहाना तआला के सिवा कोई बड़ा नहीं, सब मखलूक है और सब आजिज है। अब जो भी अल्लाह के सामने बड़ाई का दावा करता है, दरअसल उसका दावा झूठा है। तो अल्लाह ने जिन्हें नबी मुंतखब किया, उनकी नबूवत को चैलेंज करने वाले अपनी बड़ाई के झूठे दावेदार, यही अल्लाह फरमा रहे हैं। लकद इस्तकबरू, झूठा घुमंड है उनके दिलों में बड़ाई का, फी अनफुसहिम, अपने नफ्सों में। वो अब ये जो अल्लाह कह रहे हैं वो सवाल कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे कि उनको समझ नहीं आ रही, ऐसी बात नहीं है, वो अपने आप को बड़ी शह समझते हैं, उन्हें अपने बारे में बड़ा गुमान है, वो मुतकब्बिर हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा रवैया अख्तियार किए हुए। वह अतऊ, और सरकश है, अतूवन कबीरा, बड़ी सरकशी में मुब्तिला, सरकश हो गए हैं और उनकी सरकशी जो है वो बहुत बड़ी है, यानी कि वो अल्लाह के मद्दे मुकाबले सरकशी दिखा रहे हैं। या वो माजिस दिन यरउना, देख लेंगे, अल मलाइकाता, फरिश्तों को, ला बुशरा यौमैज़िन, खुशखबरी नहीं होगी उस दिन, लिल मुजरिमीना, मुजरिमों के लिए। अल्लाह कहते बड़ा शौक है फरिश्तों को देखने का, जिस दिन फरिश्ते सामने आएंगे वो खुशी का दिन नहीं हो, यानी या तो दुनिया में अजाब लाएंगे फरिश्ते उनके लिए, और या फिर आखिरत में फरिश्ते सामने आ जाएंगे, तो वो दिन भी सजा का दिन है काफिरों के लिए। वह या कुलू ना हिजरा महजूरा, और वो कहेंगे बंद किए जाओ, जैसा कि बंद किया जाता है, यानी कि कैद में डाल देंगे फरिश्ते कयामत के दिन। क्या करेंगे मुजरिमों को, पकड़ेंगे, बेड़ियां पहनाएंगे, जहन्नुम में डालेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिन अज़ाबिन नार। तो यही अल्लाह कह रहे हैं कि फरिश्ते देखेंगे तो कोई इस्तकबाल करने नहीं दौड़ेंगे, कैद में डाल दे। वक़दिमना, और हम आए, या हमने तवज्जो की, इला उसकी तरफ, माँ जो अमिलू, उन्होंने अमल किए, मिन अमल, इन अमल में से, फजअलनाहु, तो कर दिया हमने उसको, हबाअन गुबार, मंसूरा, बिखरी हुई। और जब हमने उनके अमाल पर तवज्जो की जो उन्होंने कर रखे थे, तो हमने उसे बिखरा हुआ गुबार बना दिया। कुफार का अमल, जिंदगी में कोई ना कोई अच्छा काम तो सभी करते हैं,
तो अल्लाह पाक कहते हैं कि जो कुफार है ना, उनके नेक आमाल की हैसियत ऐसी है जैसे आंधी में गुबार उड़ जाए। तो वो कहीं मिलता है फिर? नहीं मिलता। तो अल्लाह कहते हैं हम गुबार बना के उड़ा देंगे, यानी कि किसी काफिर का कोई नेक अमल मकबूल नहीं होगा। नेक अमल के चार अहम हिस्से हैं जी, ईमान, इखलास, रिज़्क़े हलाल और सुन्नत की पैरवी। मोमिन का अमल कबूल होता है, काफिर का कबूल नहीं होता। इखलास, अल्लाह की रजा के लिए काम होना चाहिए, लोगों के दिखावे के लिए किया गया काम कबूल नहीं होता, मुनाफ़क़त है। हलाल रिस्क से काम होना चाहिए, हराम तरीके से किए हुए काम अल्लाह कबूल नहीं फरमाते। सुन्नत की मुताबिकत होनी चाहिए, बिद्दत खुद साख्ता काम अल्लाह कबूल नहीं करते। तो ये चार चीजें होंगी तो अमल सवाले पूरा होगा, वरना डकोसते ही। असहाबुल जन्नती, जन्नती यौमैज़िन उस दिन खैरुन बेहतर होंगे, मुस्तकर्रन ठिकाने के एतबार से, व अहसनु और अच्छे होंगे, मकीला दोपहर गुजारने की जगहों के एतबार से। ये वो दिन होगा जब जन्नतियों के ठिकाने अच्छे होंगे और उनके रेस्ट करने के रेस्ट रूम भी अच्छे होंगे। यानी कि दुनिया में ये कहते थे ना कि हमारे घर अच्छे हैं, हमारे पास पैसा ज्यादा है और हम दौलतमंद हैं, तो हम पर अल्लाह का फजल है। तो अगर इस्लाम में खैर होती, इस्लाम अल्लाह का फजल होता, ये भी हमें मिलता, तो अल्लाह ने कहा ये कोई पैमाना नहीं, दौलत दुनिया में मिल जाना ये कोई पैमाना नहीं है। पैमाना है अल्लाह सुबहाना व तआला की रजा पर चलना। और अल्लाह फरमाने कि जो दुनिया में, तो दुनिया बकदरे एफर्ट भी है, दुनिया आजमाइश का रंग भी, आखिरत असल चीज है। और आखिरत में अल्लाह कहते हैं तुम देखना कि किसको अच्छे ठिकाने मिलते हैं, किसको जो है सुकून की जगह मिलती है। वयौमा, और जिस दिन तशक्काकू हट जाएगा, अस्तमाऊ आसमान, बिलगमामी बादलों के साथ, कयामत वाले दिन, हशर का जो दिन है ना, जब अल्लाह सुबहाना व तआला का तख्त सामने आएगा, तो आसमान शक होगा फटेगा और तख्त अल्लाह सुबहाना व तआला का सामने लाकर रखा जाएगा, और अल्लाह करीम को हम देख नहीं सकेंगे। अल्लाह पाक जो है वो नूर के बादलों के साए में होंगे, अल्लाह को देखेंगे सर पहलुल जन्नत, जन्नत में जाने के बाद दीदार हो। अलबत्ता अल्लाह करीम का तख्त सामने ला के रखा जाएगा, इस पर अल्लाह करीम तशरीफ फरमा होंगे। अब ये तख्त कैसा होगा, अल्लाह का बैठना क्या है, कैसा है, ये हैं जी कुरान के मुतशाबिहात, जिनके बारे में बहस से रोक दिया। जब कयामत के दिन देखेंगे ना, पता लग जाएगा। अलबत्ता हशर में कोई अल्लाह को नहीं देखेगा, अल्लाह का दीदार सिर्फ पहले जन्नत के लिए। इसको थोड़ा सा गर्म कर, 30 सेकंड हो। अल्लाह का दीदार सिर्फ पहले जन्नत के लिए, जन्नत में जब सब मोमिनीन चले जाएंगे और जन्नत यानी कि सील हो जाएगी, जहन्नुम वैसे सील होगी, जन्नत होगी तो नहीं, मतलब ये है कि कोई जन्नती रह नहीं जाएगा, तो फिर अल्लाह पाक कहेंगे लोगों से, अहले जन्ना से, अहले जन्ना खुश हो, अहले जन्ना कहेंगे जी अल्लाह हम खुश हैं, तो फिर अल्लाह पाक कहेंगे कि कोई चीज चाहिए, तो कहेंगे नहीं अल्लाह आपने इतना दिया हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो अल्लाह कहेंगे अच्छा चलो फिर अब मैं तुम्हें अपनी एक अजीम नेमत दूंगा, मैं तुमसे राजी हूँ और कभी नाराज नहीं हूँ। कुछ जन्नती जाहिर सब खुश हो जाएंगे, तो अल्लाह पाक कहेंगे अब मैं तुम्हें इससे भी बड़ी नेमत दूंगा, तो जन्नती हैरान होंगे कि अब इससे बड़ी क्या नेमत हो सकती, तो वो कहेंगे कि अल्लाह जी आप हमसे राजी हो गए, अब इससे बढ़कर क्या हो सकता, तो अल्लाह पाक कहेंगे मेरा दीदार। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नती जन्नत में सुबह शाम अल्लाह का दीदार करेगी। सहाबा ने कहा कैसे अल्लाह के नबी, आपने कहा जैसे जैसे चांद का करते हो। तो अल्लाह सुबहाना तआला का दीदार जो है, अल्लाह का देखना जो है, वो सिर्फ जन्नत में। अलबत्ता अल्लाह का तख्त सामने आएगा, वह नुज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, और फरिश्ते उतारे जाएंगे, यानी कि फरिश्ते उतर आएंगे ना, और उस दिन हम फरिश्तों को देखेंगे, अलबत्ता जिन्नात को भी देखेंगे, मखलूकात सब जाहिर होंगे, तो जिन भी जो है वो सफ़े बनाए कतारे बनाए खड़े होंगे, फरिश्ते भी कतारे बनाए खड़े होंगे। अल मुल्कु बादशाहत यौमैज़िन उस दिन,
हक को, हक के लिए रहमान, रहमान के लिए। उस दिन बादशाहत सिर्फ रहमान का हक, यानी कि बादशाहत तो दरअसल अल्लाह ही का हक है, लेकिन दुनिया में आरजी तौर पर अल्लाह ने लोगों को बादशाहतें दी। आज बादशाह ना भी कहें तो जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह, हुकूमत ही मिलती है, मुख्तलिफ लेवल्स की मुख्तलिफ हुकूमतें, अख्तियारात, रियासतें, अथॉरिटीज हमें दे रखी है अंदर। कयामत के दिन हर अथॉरिटी खत्म हो जाएगी और सिर्फ एक बादशाह होगा, अल्लाह, मालिक यौमिद्दीन। यही बात खुशखबरी है मोमिन के लिए, और यही बात सबसे बड़ा डरावा है काफिर के लिए। उस दिन कोई नहीं है जी, उस दिन सिर्फ अल्लाह की जात, हकीकी तौहीद तो उस दिन नजर आएगी। वकाना होगा यौमन, वो दिन, अनल काफिरीना आसीरा, काफिरों पर बहुत सख्त, ये दिन काफिरों पर सख्त हो जाएगा। और मोमिनों के लिए तो इनाम का दिन है, रिजल्ट का दिन है ना। असल में ये रिजल्ट का दिन है। तो जिस तरह जिन्होंने पेपर में कुछ नहीं किया होता उनके लिए रिजल्ट का दिन लीव का दिन होता है, शर्मिंदगी का, फेलियर का, और जिन्होंने मेहनत की और उनको पहले पता है, जब वो पेपर कर रहे थे उनको तभी पता होता है, हर स्टूडेंट को पता होता है क्या करके आया। तो पेपर कर के वो निकलते हैं ना बच्चे, तो कहते मेरे इतने नंबर आएंगे, तो वो उतने ही आते हैं, 2 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे, ऐसे ही होता है ना। तो जिसको पता है कि मेरे 80% आ जाने हैं, मेरे 90% आ जाने हैं, वो तो खुश खुश फिर रहा होता है कि नहीं। बस यही बात है, काफिरों के लिए ये दिन बहुत सख्ती का होगा, मोमिनों के लिए नहीं। तो बस इस दिन की तैयारी करनी चाहिए, अपने फराइज अदा करें, उनमें कमी ना करें, हलाल को हराम के साथ ना मिलाएं, कबीरा गुनाहों से बचें, और कुछ नहीं कर सकते तो अस्कार की कसरत करें। इंशाल्लाह अल्लाह इस दिन को आसान करे। वह यौमा, ये वो दिन होगा, या आजू काट खाएगा और जालिमो जालिम अला यदही, अपने हाथों को, ये वो दिन है जब जालिम अपने हाथ काट खाएगा। हाथ काट खाना वैसे मुहावरा भी है, सदमे की शिद्दत को जाहिर करता है। तो बहुत परेशान हो ना इंसान तो अपने हाथ मरोड़ता है और बेबसी में हाथों पर काटता भी है। तो ये बेबसी की शिद्दत की इंतहा को बयान करने का मुहावरा। यकूलू कहेगा, या लैतनी, हाय काश मैं, इत्तखस्तु बना लेता मा अब रसूली सबीला, रसूल के साथ रास्ता। सबसे ज्यादा जो इस उम्मत में कहेंगे ना अबू तालिब, क्योंकि अबू तालिब का अंजाम तो हसरत वाला है। अबू लहाब तो दुश्मनी करता था ना, अबू जहल दुश्मनी कर, अबू तालिब ने तो सारी उम्र साथ दिया लेकिन भतीजे का दिया, नबी का नहीं। यही साथ अगर कभी नबी का दिया होता तो ये अबू बकर को पीछे छोड़ जाता, सबसे ज्यादा हसरत करेंगे, और वही हसरत करेंगे जो यहाँ लिखी है। या वैलता, हाय मुझ पर अफसोस, लैतनी, काश मैं, लम अत्तखिज, ना बनाता फुलानन फुला को खलीलन दोस्त, काश मैं फुला को दोस्त ना बनाता। अबू तालब भी कहेंगे ना, काश मैं अबू जहल की बात ना मानता। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर वक्त में कह रहे थे चचा जान अब भी कलमा पढ़ लो, तो अबू अबू जहल बैठा था, साथ उतबा बिन रबिया भी था, लेकिन उतबा नहीं बोला। अबू जहल कहने लगा, आखिर वक्त अपने बाप दादा का दिन छोड़ दोगे अबू तालिब? अभी सब सबने कहा, चाचा जान कलीमा पढ़ लीजिए। अबू जहल कहने लगा, आखिर वक्त अपने बाप दादा का दिन छोड़ दोगे अबू तालिब? कजन थे ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार ये जुमला दोहराया, कितनी बार ये नहीं हदीस में आता। अलबत्ता अली कहते कई बार कहा, और हर बार जब आप कहते तो अबू जहल आगे से कहता, अपने बाप दादा का दिन मरते वक्त छोड़ दोगे अबू तालिब? तो अबू तालिब ने फाइनली जितनी दफा भी, 4 दफा 5 दफा ये बात हुई, फाइनली अबू जहल सॉरी अबू तालिब ने हाथ उठाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, अबू जहल भी खामोश हो गया। तो अबू तालिब कहने लगे, मैं अपने बाप दादा के दिन पर, ये उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। फिर थोड़ी देर में ही अबू तालिब मर गए और अली गए और कहने लगे, अली के अपने अल्फाज हैं, मैंने कहा ए अल्लाह के नबी, आपका काफिर चचा मर गया, आपने कहा नहीं आप जाएं अपने अब्बा की तदफीन में शरीक। तो मैं कहती हूँ ये जुमला बहुत सारे लोग कहेंगे,
सबसे ज्यादा ये अबू तालिब की हसरत बनेगा कि काश मैं नबी के साथ रास्ता बनाता और काश मैं अबू जहल को अपना दोस्त ना मान, मैं उसकी ना सुनता। क्या कहते? यही कहते ना कि अबू तालिब ने आखिर वक्त में दीन छोड़ दिया। खैर क्या फर्क पड़ता? जैसे मेरी बहन ने मुझे कहा कि तुमने सारा पढ़ा लिखा गवा दिया। वो जो माजी में फिकी था, गेम सारी थी, कह रही क्या फर्क पड़ता? किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तियां सोच समझ कर बनानी चाहिए जी। दोस्त बड़ा मैटर करता है। जिसका दोस्त अच्छा होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारा दोस्त वो नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें कहे कि 4 दिन की जिंदगी है, आओ खेल ले खा लो। तुम्हारा दोस्त तो वो होना चाहिए जो तुम्हें कहे 4 दिन की जिंदगी है, आओ आखिरत की तैयारी कर लो, आओ अल्लाह को राजी कर लो। तो दोस्त उस पर डिपेंड करता है ना। नमाजी दोस्त होगा, आपके पास बैठा होगा तो नमाज की फिक्र करेगा, नमाज का वक्त हो गया चलो उठो नमाज पढ़ ली, है ना। नमाजी दोस्त के साथ होंगे, फर्ज करें सोए हैं तो फजर का वक्त होगा वो उठा देगा, तो खुद में नमाजी उससे क्या उठाना। तो हर इंसान को नसीहत की जरूरत होती है, हर किसी को होती है। ये नहीं कि मुझे नहीं है, मुझे भी है, सबको है। आप लाख दूसरों को समझा लें, खुद को भी नसीहत की जरूरत हो। यानी कि जैसे थक कर बैठ गए, थक गए बैठ गए, मेरी टांगों में मेरा दर्द है, आज तो इतना काम था, तो मुझसे अब नमाज नहीं पढ़ी जा रही हूँ, तो कोई उस वक्त हल्का सा सहारा दे देता है। कोई भी घर में बच्चा ही आपका कह देता है कि वो सारा काम आपने किया है तो अब एक नमाज को भी सुस्ती कर दें, तो उससे आपके अंदर हौसला आ जाए। तो हर बंदे को सहारे की जरूरत है, हर किसी। तो अच्छा दोस्त नेमत है जी, दोस्त अच्छे बनाने चाहिए। लकत बिला शक्को शुबा दुल्ला ने गुमराह कर दिया उसने मुझको, अनिस दिक्री नसीहत से वादा बारिश के इस जहां आनी, जब वो मेरे पास आई मुझे उसने नसीहत के आ जाने के बाद नसीहत से गुमराह कर दिया, है ना। अब देखें सबसे ज्यादा, फिर मैं अबू तालिब की मिसाल दूंगी कि सबसे ज्यादा करीब से कुरान सुनने वाले अबू तालिब थे, क्योंकि वो तो घर के पर थे। मगर ये जो कबीले के मुतकब्बिर सरदार थे अबू जहल वगैरह, ये उन लोगों की वजह से अबू तालिब ईमान नहीं ला पाए। तो यही कैफियत कई लोगों की है। हाँ यही अल्लाह पाक कह रहे हैं कि नसीहत मेरे साथ सामने आ गई और मैं मान भी लेता अगर इसके कहने की वजह से नहीं माना। जैसे वो नशियों का होता है ना कि एक बंदा इलाज करवा के ठीक हो जाता है, फिर उसको कोई पुराना नशाई दोस्त मिलता है, उसको कहता है एक सूटा लाल है, और वो उसको फिर खींच के ले जाता है। ये वो बात है। तो लिहाजा दोस्तियां सोच समझ कर बनानी चाहिए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने दोस्त अच्छे लोगों को बनाओ, क्योंकि तुम अपने दोस्त के दीन पर हो, कि जैसे तुम्हारे दोस्त का दीन है रफ्ता रफ्ता तुम वैसे हो जाओगे। तो अच्छे बंदे की सोहबत होनी चाहिए। वकान शैतानु, शैतान है लिल इंसानी इंसान के लिए, खुजूला बेवफा धोखा देने वाला, खजल होता है छोड़ देने वाला, तो फजूल है फजूला बहुत ज्यादा छोड़ देने वाला। कि शैतान धोखा देता है ना, शैतान का काम ये है वो बहकाता है, और जब इंसान गुनाह कर बैठता है तो कहता है मैंने कब कहा था करने के लिए, ना करते। और वो कयामत के दिन भी यही कहेगा, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो कहेगा जब लोग उसको बुरा भला कहेंगे तो कहेगा मैंने कब कहा था तुम्हें कुछ करने के लिए, मैंने तो सिर्फ इन्वाइट किया था, तुम ना मानते, अपने आप को मलामत करो मुझे मलामत ना करो। तो शैतान का तो तरीका यही है। और वो ये भी कहेगा अल्लाह मैं उस शादी शिरक से बरी हूँ जो ये करते हैं, मेरा मैं मुशरिक नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। धोखेबाज है ना, मुनाफिक है। वकाल रसूलु, रसूल कहेगा या रब्बी ए मेरे रब, इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, बेशक मेरी कौम ने कुरआन को तर्क कर दिया था। हजरा का क्या मतलब होता है? हिजरा उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, हिजर और विसाल, विसाल मिलना, हिजर बिछड़ना। तो हिजर का मतलब है छोड़ना, एक
हलवे वाले हाँ के साथ हजर होता है, उसका मतलब होता है पत्थर। और एक ये दो आंखों वाली हाथी वाली हाँ जो है उसके साथ हजर है, इसका मतलब है किसी चीज से वो छोड़ देना। हिजर का मतलब है जुदा होना और हजर का मतलब है छोड़ देना, तर्क कर देना। महजूर होता है वो चीज जिसे छोड़ दिया जाए। इन्होंने कुरान को छोड़ दिया, ये कौन से रसूल कहेंगे? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर गवाह है ना। आप दूसरे पारे में ही जब तहवीले किबला की बात होती है तो अल्लाह कहते हैं वजा अलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नासी व रसूलु अलैकुम शहीदा, हमने तुम्हें उम्मत वुस्त बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो, तुम पर गवाह होंगे तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो गवाही हमारे हक में भी देंगे खिलाफ भी देंगे ना। यानी कि जब ये सारा कुछ हो रहा है, ये फिरके बने हुए हर फिरका अल्लाह और रसूल के नाम पर है ना, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल नहीं होगा कि मोहम्मद तुम क्या कर रहे थे फिरके बना लेना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? होगा ना सवाल, जैसे अल्लाह हजरत ईसा से पूछेंगे, आले इमरान में आता है कि हम ईसा को बुलाएंगे पूछेंगे ईसा तुमने कहा था मुझे मेरी माँ को खुदा बनाना, अल्लाह को अच्छी तरह पता है, लेकिन अदालत का काम है ना सवाल करना, तो अल्लाह तो अदालत कायम किए होंगे। तो जब उम्मत मुस्लिमा के ये फिरके और फिरकेबाज हाजिर होंगे और सवाल किया जाएगा और लोग कहेंगे कि वो तो जी अल्लाह के नबी ने ये सब कुछ किया था, तो अल्लाह कहेंगे अच्छा आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए आप क्या कर आए थे कि मेरे बाद फिरके बना लेना, और ये वाबी सुन्नी और बरेलवी और देवबंदी और ढंग ढंग के लोग बन के बैठ जाना आपने कहा था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे अल्लाह जी मैंने क्यों कहना था, असल बात यह है मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया और लग गई थी बंदों के पीछे इसलिए गुमराह हो गए, मैंने नहीं कहा था, मैं क्यों कहूंगा। यही बात यहां आ रही कि उम्मत हसरत करेगी कि काश मैं कुरान के पीछे ना जाता नबी के पीछे जाता, मैं लोगों की बातें ना सुनता मैं नबी की बात सुनता, काश मैंने अपना रास्ता नबी के साथ बनाया हो, काश मैं इस चक्कर में ना पड़ा होता कि मैं बरेलवी हूं कि मैं सुन्नी हूं कि मैं शिया हूं कि मैं जाफरी हूं, मैं नबी के कदमों पे कदम रखे हूँ। और जब इन फिरकों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाएगा तो सिंपल आंसर देंगे अल्लाह ने उन्हें किताब को छोड़ दिया अपनी मर्जी का दीन बनाना। वकजा लिखा इसी तरह जालना हमने बनाया लिकुल्ली नबी हर नबी के लिए अदुवन दुश्मन मिनल मुजरिमीना मुजरिमों में से, हमने हर कौम में जब नबी भेजा तो उस कौम के मुजरिमों में से नबी के लिए कुछ बड़े दुश्मन खड़े किए। ये नहीं कि अल्लाह ने उनको दुश्मन बना दिया, मतलब ये है कि जब हक की बात होती है हक के नापसंद करने वाले चंद लोग जो है इतने होते हैं ना, जैसे हक परस्त चंद अजीम लोग खड़े होते हैं नबी की सपोर्ट के लिए, हर नबी की कहानी में आपको ये मिलेगा कि चंद ऐसे सहाबा उनके थे जिन्होंने अपना जान माल सब कुछ कुर्बान किया, जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे प्यारे साथी, लेकिन चंद ऐसे दुश्मन भी बदबخت थे जिन्होंने नबी को शिकस्त देने के लिए तन मन धन दांव पे लगा दिया क्योंकि उन्हें हक से नफरत थी, उन्हें हक नहीं चाहिए था, तो ऐसे दुश्मन भी हर नबी के रहेंगे। तो लिहाजा अबू जहल अबू लहब ये क्या है उतबा बिन रबिया शैबा बिन रबिया वलीद बिन उतबा इब्ने कुमिया इब्ने शहाब कितने ही लोग हैं, ये जो पूरा जत्था था सरदारा ने मक्का का ये 70 कट्टे काफर ये सब बदर में मारे गए थे, अबू लहब नहीं था उनमें बीमार था टाउन से मर गया था अबू लहब का। बदर के मकाम पर जहां दफन वो गड़ा है वहां पर तो सहाबा जो 14 शहीद हुए थे वो दफन, जो ये लोग थे इनको तो गार में डाल दिया था क्योंकि 70 लोग थे इनकी लाश जगह कौन खोदता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसी किसी खड वगैरह में डाल, तो एक कुदरती पहाड़ के अंदर खोद ही बनी होती खड बनी होती उसके अंदर डालकर ऊपर पत्थर डाल दिया। इनमें से सिर्फ एक अबू लहब बचा था क्योंकि वो बीमारी की वजह से आ नहीं पाया था, तो वो बीमार था ऑलरेडी बीमार था वो फिर टाउन था उसमें फिर टाउन से मर गया। असल में दुश्मनी अल्लाह की किताब से है, पर वरना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक ऐलान नबूवत नहीं किया था यही लोग सबके वाली जाते थे आपको। हाँ अल्लाह का दीन नहीं चाहिए, आप देखिए अभी ये कहते हैं ना कि
जी बड़ा बड़ी हार्मनी है, बड़ा बड़ी रवादारी है गैर मुस्लिमों में, आप यूरोप में तबलीग करें वो आपको मना नहीं करते। हाँ, जब तक आप नमाज रोजे की तबलीग करते रहेंगे वो आपको मना नहीं करेंगे। आप निजाम कायम करने की बात करें ना, आपको खड़ा होने दें तो फिर निजाम नहीं चाहिए, इस्लाम का निजाम नहीं चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो खाली नमाज रोजे की बात तो नहीं कर रहे थे, वो तो दीन के कयाम की बात कर रहे। तो जिस दिन आप दीन के कयाम की बात करेंगे उस दिन दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो दीन के कयाम, और मकसद ही दीन का कयाम है, नमाज रोजा करवाना मकसद नहीं है, मकसद असल में दीन का कयाम है। नमाज रोजा तो हमारी पर्सनल सपोर्ट की चीज है, हमारी जो है ना पावर को रिचार्ज करने का तरीका है, अल्लाह से हमें कनेक्ट रखने का तरीका है। असल मकसद तो अल्लाह का निजाम कायम कर, तो इस निजाम को कायम करने के लिए जब खड़े होंगे तब दुनिया खिलाफ खड़ी होगी। वकफा बी रब्बी का हादियं व नसीरा, तेरा रब काफी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत देने के लिए, मदद करने के लिए, कि मुजरिमों को दुश्मनियों से परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए जी, दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता उस वक्त तक जब तक हम हक पर खड़े हो। मौत जिंदगी अल्लाह ने लिख रखी है, उसके अख्तियार में है, फतह नाकामी भी उसके अख्तियार में है, लिहाजा अगर हम हक पर खड़े रहेंगे दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अल्लाह ने ये बात पहली दो जंगों में ही समझा दी थी। गजवाए बदर में 313 मुसलमान थे, जंग की तैयारी भी नहीं थी, मगर हक पर जमकर खड़े हो गए, अल्लाह ने फतह दे दी। और उहद में मुसलमान तैयार थे, जंगी तैयारी भी थी, तादाद भी अच्छी थी, मगर गलती की, जीती हुई जंग हारे। तो अल्लाह पाक ने वाजे कर दिया था, साफ वाजे कर दिया, अगर तुम हक पर खड़े खड़े रहोगे तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अभी कहते ना, दुश्मन ने ये कर दिया, दुश्मन ने वो कर दिया, यहूदी ऐसे यहूदी वैसे, कहते नबवी में यहूदी नहीं थे ना? क्या हजरत अबू बकर और उमर के दौर में यहूदी नहीं थे? सबसे ज्यादा किसको कत्ल करने की ख्वाहिश थी? उमर को सबसे ज्यादा तकलीफ सहाबा में, इन्हें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला से नहीं। बहरहाल उसके बाद भी सदियों तक ये दुश्मन रहे हैं हमारे, लेकिन हमारी हुकूमतें तो चलती रही, हमारे लोग तो कामयाब रहे, सदियों तक कामयाब रहे, थोड़ा जमाना नहीं, 1000 साल मुसलमान दुनिया पे छाए रहे, 1000 साल, थोड़ा अरसा नहीं होता। यही दुश्मन थे, यही हम थे, हम अपने दीन पर खड़े, हमने दीन के साथ गद्दारी की, हमने दीन को छोड़ दिया, हमने दुनिया की खातिर दीन को जिंदगी से निकाल दिया, तब अल्लाह पाक ने हमारा साथ छोड़ दिया, हम अकेले हो गए, हमारा दुश्मन हम पर गालिब आ। जब तक हम अल्लाह के दीन के साथ वफादार रहे, बेशक बीच में गलतियां भी थी, लेकिन बहरहाल दीन से अमूमी वफादारी तो थी ना, तो अल्लाह पाक हमारे साथ थे। जब तक अल्लाह हमारे साथ थे हम गालिब थे। जब हमने अल्लाह करीम के दीन के साथ गद्दारी की, अल्लाह के रसूल के साथ गद्दारी की, किताब से गद्दारी की, अल्लाह पाक ने हमें छोड़ दिया, सजा भी नहीं दी, छोड़ दिया सिर्फ। तो हमारा ये हाल है कि हम सबके जूते खाते फिर रहे, जब तक हम अपनी वफा पर वापस नहीं आते अल्लाह पाक सरपरस्ती नहीं करेंगे, और जब तक अल्लाह सरपरस्ती नहीं करेंगे कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। हमारा सरपरस्त तो कई कोई नहीं है, वैसे तो किसी का भी नहीं है, लेकिन कुफार तो चलो अपने मकसद के लिए एक दूसरे के साथी बन जाते हैं, कोई शैतान भी मदद डाल देता है अपनी जितनी वो कर सकते हैं फिजिकल, शैतान के पास कोई बड़ी ताकतें नहीं है, पर जिन है ना थोड़ी बहुत चलो लगाई बुझाई कर देते हैं कुछ, लेकिन हमारा मददगार तो सिवाय अल्लाह के कोई है ही नहीं। तो अल्लाह सुबहाना व तआला के साथ गद्दारी करने के बाद वो हाल है हमारा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, हमारा वो हाल हुआ। लिहाजा असल बात ये है अल्लाह के साथ वफा निभा, औफू बी अहदी उफी बी अहदीकुम, तुम मेरा है पूरा करो मैं तुम्हारा है पूरा करूँ। हम अल्लाह के वफादार हो जाए, अल्लाह का दीन कायम करने के लिए खड़े हो जाए, अल्लाह पाक हमारी मदद आज भी करेंगे, रब तो वही है, उसके वादे भी वही है, हम बदल गए तो हम ठीक हो जाएंगे, तो यही दुश्मन होंगे और यही हम होंगे, और हम गालिब आएंगे, और आप देखेंगे इंशाल्लाह अगर हम जिंदा रहे हम देखेंगे, वरना हमारी औलादे या उनकी औलादे देखेंगी, वो वक्त तो आएगा, मुस्तकबिल तो इस्लाम का, हम काम करें या ना करें अल्लाह का हिस्सा खड़ा होगा और अपना काम करें, अल्लाह का गिरोह खड़ा होगा और अपना काम करें। हमें ये चाहिए हम अल्लाह के गिरोह में शामिल हो जाएं, और जो कर सकते हैं करें, तलवार नहीं उठा सकते जुबान चला सकते हैं जुबान चलाएं, तलवार उठाने के भी कहीं हालात ही नहीं है ना, तो फिर क्या करें? जुबान इस्तेमाल करें, पैसे दे सकते हैं पैसे दे, किताब पकड़ा सकते हैं किताब पकड़ाएं, बंदा बुला सकते हैं बंदा बुलाएं,
यानी कि किसी को कुरान पढ़ने की दावत दे सकते हैं, वो नहीं करते। जो कर सकते हो वो तो करो ना, जो कर सकते हो वो तो करो। आप देखिए वो मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है, ये मुसलमान हुए, बनू अशर से थे, शुरू में मुसलमान हो गए मक्का में, फिर अपने कबीले चले गए। कितने साल अपने कबीले तबलीग करते रहे, मारा पीटा, डाकू थे, पूरा कबीला बनू अशर डाकू का। तो लगे लगे कितने साल लगाए। अबू जर गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनका भी यही मामला था। अबू मूसा अशरी जो है ये फिर मदीने आप आ गए, तब ये फिर वापस पलटे। एग्जैक्ट अब मुझे याद नहीं किस ईयर में, लेकिन कई साल अपने कबीले में तबलीग करते रहे, फिर आखिरी कार बनु अशर मुसलमान। मारे खाई एक दो दफा तो हड्डियां इनकी फ्रैक्चर हो गई, इतना मारा कबीले वाले। लगे रहे लगे रहे लगे रहे, बनु अशर मुसलमान हो गए, फाइनली मुसलमान हो गए। तो बात यह है, काम तो करें, काम तो करें, जो कर सकते हैं वो तो करें, अपना हिस्सा डालें, ताकि ये हुज्जत हो जाए कि जितना मेरे बस में था अल्लाह जी मैंने उतना तो कर दिया। करना चाहिए, बैठ नहीं रहना चाहिए, बैठ रहना बुरी बात है। खास तौर पर इमरजेंसी में किसी को नहीं बैठना चाहिए। जैसे अल्लाह ना करे किसी के घर में आग लग जाए, तो आप कहें अब फायर ब्रिगेड आएगी तो आग बुझाएगी, हम तो खड़े देख रहे हैं। ऐसे नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। पानी डालो, बड़े हैं तो बाल्टियां लाए, बच्चा ग्लास ही डाल दे, फर्क पड़ेगा ना? बस एक गिलास से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हर कोई गिलास से ही डालना शुरू कर दे तो गिलास और पतीलियों से भी आग बुझाई जा सकती। वही बात है, बकदरे हिम्मत कोशिश तो करें, वो थोड़ी 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 कोशिश मिलकर एक अजीमुशान तब्दीली ले आए, क्यों नहीं भाई? अपना अपना काम करना चाहिए। वकालल्लज़ीना कफरू, काफिर कहते हैं, लौला नुज़िला अलैहिल कुरआनु जुमलतन वाहिदतन, कुरान एक ही बार सारा इकट्ठा क्यों नहीं नाजल हो गया? तो रैत इकट्ठी आई थी ना, तो रैत जो है वो पूरी की पूरी किताब इकट्ठी आ गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं, और कुरान खुद भी बताता है, लिखी हुई थी तख्तियों पर, और लिखी हुई पूरी बुक एक ही दफा हजरत मूसा अलैहि सलाम को मिल गई। ये स्पेशलिटी रही तो रैत की, वरना नबियों पर वही वैसे ही आई है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई थी, आहिस्ता आहिस्ता। तो रैत के लिए स्पेशलिटी थी, फिर इन्होंने कौन से संभाल ली, गुम भी कर दी। अल्लाह कहते कजाली का ऐसा ही होगा, मैंने डिसाइड किया है ये आप पर वही ऐसे आएगी, तो रैत की तरह नहीं आएगी, लिखी हुई रिटर्न बुक नहीं मिलेगी। क्यों? लिनुसब बीता, ताकि हम मजबूत जमा दे भी इस किताब को, फुआदा का आपके दिल पर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे थोड़ा थोड़ा करके उतारेंगे ताकि आपके दिल पर जम जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत सबके दिलों पर, के कुरान का एक हिस्सा आता था जो भी मौजू के मुताबिक, उसको याद किया जाता था, पढ़ा जाता था, समझा जाता था, सिखाया जाता था, जब तक नई वही नहीं आ जाती थी तो वो फिर अमल में आता था। तो अल्लाह ने कहा कि हम कुरान तदरीजन उतारेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आपके दिल जम जाए, वरतलनाहु तरतीला, और ताकि हमने इसको ठहर ठहर कर पढ़ कर सुनाया, यानी हम आपको थोड़ा थोड़ा करके कुरान सुना रहे हैं। तो ये तालीम का तरीका है। आप भी जब पढ़ाते हैं तो क्या बच्चों को कोर्स तो ले देते हैं, तो पहले दिन कोर्स पढ़ा देते हैं? नहीं, सारे साल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना। अल्लाह को तो पता था, हमें नहीं पता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं पता था, अल्लाह को तो पता था कि 22 साल के जमाने में कुरान नहीं उतरना है, तो अल्लाह पाक ने उसको सिलेबस बनाया हुआ था, इतना 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 इतना, उसके मुताबिक आ गए। वला या तूना का, नहीं लाते वो आपके पास भी मसल, इन कोई मिसाल, इल्ला मगर जीना का, हम लेकर आते हैं बिल हक की सच बात, वह आहसना तफसीरा, और उसकी बेहतरीन वजाहत। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी आपके पास कोई एतराज घड़ कर लाते हैं इसी मिसाल से, हम आपको उसका सच्चा और बेहतरीन वजाहती जवाब अता कर दें। यानी ये आपके पास एतराज आए ना यहूद कि मूसा अलैहि सलाम पर तो किताब किताबी शक्ल में आई थी, तो रहत आप पर क्यों नहीं आई, तो उसका जवाब दिया गया। और असल बात यह है कि यह एतराज ऐने ही था, हजरत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने किताब की शक्ल में तौरात दे दी, मगर बाकी सब नबियों पर जो वही आई है वो उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आई है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई। हजरत मूसा अलैहि सलाम को क्यों किताबी शक्ल में दी गई? मर्जी अल्लाह की, अल्लाह पाक ने जो है आजमाना था इन लोगों को। और फिर वही बात है, ये कौन सा संभाल सके तौरात को, गुम कर दी।
अल्लज़ीना, वो लोग, युक्षरुना, जो इकट्ठे किए जाएंगे, अला वजूहिहिम, चेहरों पर, इला जहन्नम, जहन्नम में, वो लोग जो मुंह के बल जहन्नम में इकट्ठे किए जाएंगे। चेहरों से मुराद है मुंह के बल, इनके फरिश्ते पकड़ेंगे ना ऐसे धकेल कर फेंकेंगे तो मुंह के बल जाके गिरेंगे। अल्लाहुम्मा औज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार, उलाइक शर्रुम मकानन, बदतरीन है ये जगह के एतबार से, वा अज़ल्लु सबीला, और ये सबसे ज्यादा रस्तों से भटके हुए। वलकद बिला शक व शुबा आतई ना मूसा किताबा, हमने मूसा को किताब अता फरमाई, वजह अल नामाऊ अहाहु हारूना वजीरा, और हमने उसके भाई हारून को उसका मददगार बना दिया, उसका वजीर बना दिया। वजीर कहते हैं बोझ उठाने को, विजर बोझ को कहते हैं, वजीर जो बोझ शेयर करता है। तो बादशाह का वजीर कौन होता है? जो काम में उसकी मदद करता है। तो वजीर से मुराद यहाँ पर मददगार है, हेल्पर। फकुल नसबा, हमने कहा तुम दोनों जाओ, इला कौमिल लजीना कज़्ज़बू बि आयातिना, उस कौम की तरफ जिसने हमारी आयतों को झुटला दिया, फिरौन, कौम फिरौन, फदम्मरनाहु तदमीरा, मगर जब हमारी आयतों का इनकार ही करते रहे तो हमने उन्हें हलाक कर दिया बुरी तरह से। फिरौनों की हुकूमत खत्म नहीं हो गई थी, जो फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबले था, रामसिस सेकंड था, उसको डबो कर मार दिया था अल्लाह पाक ने, उसका लश्कर, उसके वजीर डूब गए थे। वैसे फिरौनों की हुकूमत चलती रही थी, इसका खात्मा क्लियोपेट्रा के दौर में हुआ। क्लियोपेट्रा आखिरी फिरौन थी, उसके बाद यह हुकूमत खत्म हुई। वकौम नूहिन, और कौमे नूह, लम्मा कज़्ज़बुर्रुसुला, उन्होंने भी रसूलों का इनकार कर दिया, अग़रकनाहुम, डबो दिया हमने उनको, वजअलनाहुम लिन्नासि आयतन, और हमने उन्हें लोगों की एक निशानी बना दिया, वआतदना लिज़्ज़ालिमीन अज़ाबन अलीमा, और जालिमों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा। वआदन वसमूदा, कौम आद, कौम समूद, व असहाबर रस्सी, कुएं वाले, असहाबर रस्सी का सिर्फ नाम ही आता है कुरान में, ये कौन सी कौम है हमें पता नहीं। वकुरूनन, और कौमें बई नजालिका, इनके माबैन कसीरन, बहुत सारी हैं। अल्लाह कहते हैं नूह अलैहि सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बहुत कौमें जिनको तुम नहीं जानते। असल में ये लोग तो एक यहूद जो है ना, वो नसब नामा बनाते हैं हजरत नूह अलैहि सलाम तक, मगर वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नूह अलैहि सलाम के वक्त में एवरेज एज 1000 साल थी, ये कुरान बताता है। और इब्राहिम अलैहि सलाम वो पहले बंदे हैं जिनके बाल सफेद हुए, हदीस में आते हैं इब्राहिम अलैहि सलाम पहले इंसान थे जिनके बाल सफेद हुए। उन्होंने कहा अल्लाह ये क्या है? अल्लाह ने कहा ये बुजुर्गी है इब्राहिम। इब्राहिम ने कहा चले फिर, बहुत अच्छा। तो पहले बूढ़े होने वाले शख्स इब्राहिम थे, यानी कि हजरत नूह अलैहि सलाम के जमाने में अभी इंसानों पर बुढ़ापा नहीं आता। तो नूह अलैहि सलाम का जमाना बहुत कदीम है, ये तो 5000 साल आदम अलैहि सलाम से अब तक कैलकुलेट कर देते हैं तौरात को लेकर, लेकिन तौरात की गिनती बिल्कुल सही नहीं है। ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो टेक्सला जो है ना हमारे, ये 8000 साल पुराने, पहले इनको 4 से 5 एस्टिमेट किया गया था, मगर अब मान लिया गया है कि 8000 साल पुराने जी। और ये रफी रफी वो जमाना बनता है जब उधर मिस्र की तहजीब अपनी पीक पर थी, और इधर हम लोग, हमारी ये तहजीब पीक पर थी, और यानी कि इब्राहिम अलैहि सलाम वाला, यूसुफ अलैहि सलाम वाला जमाना ये सारा बनता है। तो नूह तो उससे भी पहले गुजरे, और नूह अलैहि सलाम और इब्राहिम अलैहि सलाम के दरमियान ढेरों फासला। हजरत नूह अलैहि सलाम के बाद इब्राहिम अलैहि सलाम का जिक्र करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हजरत नूह के बाद इब्राहिम अलैहि सलाम अगले नबी थे ना, बीच में कितनी कौमें गुजरी, कितने नबी गुजरे, अल्लाहु आलम। कौम आदो समूद भी तो पहले गुजरे, हजरत इब्राहिम से पहले गुजरे कौम आदो। तो ये सारी जो है ना अटकल पच्चू है, पता नहीं कितने हजारों साल की दास्तान है जी, और कितने लाखों साल पहले आदम अलैहि सलाम आए थे। और मैं तो पहले भी अर्ज करती हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आदम अलैहि सलाम 60 हाथ लंबे, 20 हाथ चौड़े थे, और हाथ का जो पैमाना तकरीबन 1.5 फुट के बराबर है, यानी कि 60 हाथ का मतलब है 90 फुट लंबा होना, ये 10 फुट है जी, और 40 फुट चौड़ाई बन जाती है, 40 20 से जो है ना, हाँ 30 फुट, 30 35 फुट। तो अब आप सोचिए कितने बड़े होंगे। तो मैं ये मानती हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, सबको इख्तलाफ का हक हासिल है, ये वो दौर था जब दुनिया में डायनासोर बसते थे, ये उस जमाने में आदम अलैहि सलाम उतरे, फिर वो तहजीब खत्म हुई, फिर इंसानों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आदम इस कद पर थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कद खत्म, कम होते 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 हम तक आए।
भी है, जाहिर बात है, सिर्फ आदम नहीं, नस्ल ही ऐसे, वो जनरेशन ही ऐसे हैं। और आप फरमाते हैं कयामत के दिन जन्नती और जहन्नमी इसी हटकट पर उठाए जाए जी, वो असल पे चले जाएंगे वापस। ये तो अरबों साल की कहानी है जी, ये कोई 4-5 हज़ार साल का किस्सा नहीं है जो ये बनाने की कोशिश करते हैं। तो बीच में पता नहीं कितनी नस्लें, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, अल्लाह आलम कितने जमाने गुजरे हैं जी, कितनी कौमें गुजरी हैं। वकुल्लन हर एक जरबना लहू बयान की हमने उसके लिए अलम साला मिसाले, हर कौम पर हमने मिसालें बयान की मगर वो ईमान नहीं लाए। वकुल्लन तबरना तदबीरा, हमने फिर हलाक किया सारों को, मिटा डाला। यानी अल्लाह कहते हैं कि जितनी कौमें भी आई आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, जितनी अगवाम आई सब पर वही आई, सब पर नबी आए, सब को समझाया गया, जब ईमान नहीं लाए हमने इन्हें बर्बाद कर दिया। वाला कर बिला शक व शुबा आता, वो गुजरते हैं अला करियता, उस बस्ती से अल्लती जो उमतिरत मतरसौ, जिस पर बरसी बुरी बारिश, कौम लूत की बस्ती जिस पर पत्थरों की बारिश हुई। अल्लाह ने कहा सफर भी जाते हैं तो उसके पास से गुजरते हैं, अफलम यकूनु यरौनहा, क्या भला वो देखते नहीं थे इसे, बलकानु ला यरजूना नशूरा, नहीं असल बात यह है वो जी उठने की उम्मीद ही नहीं रखते थे। यानी अल्लाह पाक कहते हैं कि ये जब गुजरते हैं तो ये कौमे लूत का अंजाम नहीं देखते, इनको खौफ नहीं आता, देखते हैं मगर खौफ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इन्हें दोबारा उठाए जाने की उम्मीद ही नहीं, इनको लगता है कि हमने कभी नहीं उठाया जाना, हम तो हमेशा जिंदा रहने के लिए। वाइजा राउ का, जब वो आपको देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यत्तखिज़ूना का, बनाते हैं तुझको इल्ला हुज़ुआ, मजाक, जब आपको देखते हैं आपका मजाक उड़ाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की रहमतें हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से निकलते, अम्मा खदीजा का घर सफा की पहाड़ी पर था, तो पहाड़ी इन्होंने काट कूट दी है, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलते तो ये काबे के दामन में बैठे होते थे, वेले वेले लोग थे, इन लोगों ने गुलामों को काम पे लगाया होता खरीद खरीद कर, खुद ये बैठ कर हराम खाते थे। अभी भी कफालत यही है इनकी, अरबों की गंदी आदत। बहरहाल ये वहां बैठे होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते तो इशारे करते, लो आ गया। तो फिर मैंने बताया ना कि एक ग्रुप हमेशा आपके पीछे लगा रहता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते तो मजाक उड़ाते, आप पे मिट्टी फेंक देते, तंग करते, मकसद आपका बस मजाक बना, डीमोरलाइज करना था। जैसे आप चले जा रहे हो और कोई आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दे, आप कभी डिबेट करें, कॉलेज स्कूल में बच्चे शरारत करते हैं तो वो आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दे, तो नेचुरल बात है ना कि आपका एतमाद कम हो जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतमाद खत्म करने के लिए मजाक उड़ाते हैं। अहाजल्लज़ी बास अल्लाहु रसूला, कहते देखो देखो ये है वो बंदा जिसे अल्लाह ने रसूल बनाया, मजाक उड़ाते हैं तंग करने के लिए, बदतमीजी करते, ये है वो बंदा जिसे अल्लाह ने रसूल बनाया है। इनका दा बेशक करीब है, लयुज़िल्लुना, भटका दे हमको, अन आलिहातिना, हमारे इलाकों से, लौला, अगर ना, अंसबर ना, जम गए हम अलैहा, इस पर लोगों होशियार रहना, इससे करीब है ये हमें हमारे खुदाओं से, बहका दे हमारे इलाहों से, दूर कर दे अगर हम जम ना गए उस पर। कौन थे उनके इलाह, उनके नेक लोग, उन्होंने अपने नेक लोगों से फारसी बनाया हुआ था, हमने अपने नेक लोगों को बना लिया और फिर हम कहते हैं नहीं 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 वो काफिर थे, हम मुसलमान। वसौफ यालमूना, अनकरीब वो जान लेंगे, ही ना यरौना लजाबा मन अदल्लु सबीला, जिस वक्त अपने अजाब की जगह देखेंगे पता चल जाएगा कौन रस्ते से भटका हुआ है। कहते थे ना कि सबसे ज्यादा रस्ते से गुमराह ये लोग हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को साबी कहते, साबी का मतलब है बददीन, जैसे आज हमें कहते हैं ए बददीन लोग ने, बदअकीदा लोग ने, अल्लाह बेहतर जानते। वकफा बिल्लाही हसीबा, अल्लाह काफी है हिसाब रखने के। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को कहते साबी बददीन, उन्होंने अलग दीन बना लिया। तो अल्लाह पाक कहते हैं ये आज कहते हैं ना कयामत के दिन को लग पता जाएगा किसका अकीदा सही है। अराइता, क्या तुमने देखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन इत्तखज़ा इलाहु हवाहु, उस बंदे को जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बनाया हुआ है। हमारे सारे हाकम, हमारे नाम निहाद आलम इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, अपनी ख्वाहिशों के पीछे। अभी ये प्रेसिडेंट का हलफ किसने उठाया पाकिस्तान के,
आलम सब पड़े हैं, थोड़ा मर भी गया है आलम बने यार, कैसे इतना हौसला बढ़ जाता है कि ऐसा ख्वाहिश है नफ्स, पैसे का। दुनिया में सबसे ज्यादा बहकाने वाली चीज नफ्स है। शैतान से भी बड़े हम अपने दुश्मन खुद हैं, हमारा नफ्स। जानते मुश्किल है हर चीज के बारे में अल्लाह ताला बता रहा है। अगर आप लोग अपनी सियासत में इतनी भी दिलचस्पी नहीं लेंगे ना कि आपको बुनियादी बातें पता हो, तो आप हालात कैसे बदलेंगे? और जब तक आप सियासी हालात नहीं बदलेंगे, आप कोई भी हालात कैसे बदलेंगे? तो आपको मोटी मोटी बातें तो बतानी चाहिए कि पाकिस्तान का इस वक्त सदर कौन है। नहीं, बड़ा सोच कर जवाब दिया, चले फिर भी दे दिया, नहीं, तो आपको इतना पता होना चाहिए। तो जब उन्होंने हलफ लिया है तो क्या वाकया पेश आया? तकलीफ दे बातें हैं, मुझे खैर ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लगता, वाकई नहीं लगता, लेकिन बात यह है कि हकीकत देखने की ये है कि एक बंदा इस कदर बीमार है और हम लोगों ने खेल बनाए हुए। ख्वाहिश नफ्स, ना वो खुद बाज आता है और ना उसको ये यूज करने वाले बाज आते हैं कि वो जब हलफ लेने खड़े हुए हैं तो पेशाब निकल गया वो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ी बातें हुई, बड़ा मजाक बना, बड़ा कुछ हुआ। अच्छा, कुछ जो सहाफियों ने ये बात उसकी वीडियो डाल दी, उनको इन्होंने उठाकर अंदर फेंका, कैद शैद में डाला। नहीं, मसला ये है, एक बंदा जो अपना पेशाब कंट्रोल करने पर कादर नहीं, वो मुल्क खाक कंट्रोल करेगा? बीमार आदमी है ना, उसको जाने तो रेस्ट करे। चलो ना उससे हिसाब लो, कुछ ना करो, जान तो छोड़ो उसकी और वो हमारी जान छोड़े। जो बंदा इस हद तक तकलीफ में है, बीमार है, क्या मुल्क चलाएगा? एक आपका सर दर्द हो, आपसे खाना नहीं बनता, आप कहते हैं दफा करो मैं सो रही हूं देखा जाएगा, ऐसे ही है। तो जब इस तरह के लोगों को हाकिम बनाया जाएगा, मैं बाकी बातें फिलहाल छोड़ रही हूँ, उसका किरदार, उसकी दयानत पे कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ हेल्थ की बात कर रही हूँ कि एक बीमार बंदे को उठाकर हाकिम बना दोगे तो मुल्क कैसे चलेगा? ओहो मेरे अल्लाह, ख्वाहिश नफ्स को हाकिम बनाया हुआ। खुद जरदारी साहब ने भी इनकार कर देते, और जो इर्द गिर्द वाले सारे हैं, क्यों उसको हाकिम रखना चाहते हैं? एक मरीज बंदा हाकिम होगा तभी तो उनकी मर्जी चलेगी। ये हालात है हमारे। हमारे सियासतदान भी ख्वाहिश नफ्स के गुलाम हैं, उलमा। कौन सी चीज हमारे आलिमों को सच बोलने से रोकती है? अगर हम बोलेंगे हमें वजारत मजहब भी मुंह से फारग कर दिया जाएगा, तनख्वाहें रुक जाएंगी, सारे जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं रुक जाएंगे, तो कैसे बोले थे? नहीं बोले। ख्वाहिश नफ्स, अल्लाह कहते हैं क्या उस बंदे को देखा जिसने ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बनाया हुआ है? अफा अंता तकूनु अलैहि वकीला, भला ऐसे बंदे की कारसाजी आप करेंगे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? यानी जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता या रखता है मगर अपनी अपने नफ्स का गुलाम बना हुआ है, तो आप क्या उसका मुकदमा लड़ सकते हैं? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ सकते, तो मैं आप क्या लड़ेंगे? इन हाकिमों या आलिमों के हक में अगर हम बोल भी लें तो हम इनको सच्चा साबित नहीं कर सकते अल्लाह के क्रोध। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, दुनिया में जो सबसे बड़ा बुत पूजा गया वो नफ्स। तो देख ले, अपनी ख्वाहिश नफ्स का गुलाम होना भी शिर्क है। बाकी ते गल्ला ही छड़ दो, अल्लाह का हुक्म छोड़कर अपने नफ्स की बात मानी। अल्लाह कहते नफ्स को भी खुदा बना लिया तुमने, ये तो बातें ही बहुत दूर की हैं जी। आम तहसबू, क्या समझते हो तुम, अन्ना अक्सरहुम, के बेशक उनमें से अक्सरियत यस्माउना सुनती है, और याकिलुना अकल वाली है, इनहुम हरगिज नहीं, वो तो है इल्ला कल अनआम, जानवरों की तरह, बल हम अज़ल्लु सबीला, हरगिज नहीं उनसे भी ज्यादा रास्ते से भटके हुए हैं। अल्लाह कहते तुम्हें क्या लगता है इंसानों की अक्सरियत बात को सुनती और समझती है? ना ना सुनते को तैयार है ना समझने को तैयार है, और इतने गुमराह है कि जानवर भी नहीं होंगे। अल्लाह कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रही, अल्लाह कहते हैं जानवरों की तरह गुमराह है, नहीं जानवरों से भी ज्यादा। जानवरों से ज्यादा क्यों? जानवरों को तो अल्लाह ने सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं दी ना, हमें तो दी है।
तो हम तो हक और बातिल को समझ सकते हैं। एक गाय के सामने या एक बैल के सामने एक आदमी दूसरे आदमी को मार डाले, गाय या बैल में ये अकल नहीं है कि वो जाने के जालिम कौन था मजलूम कौन, है ना। लेकिन अगर एक इंसान के सामने होता है वो तो सच और झूठ जानते हैं ना, यही फर्क है जी। अब जानवर ने तो सारी उम्र एक ही तरीके से जीना है, इंसान तो ऐसा नहीं। तो फिर अकल होते हुए, इल्म होते हुए जो अंधा बहरा गूंगा बनकर जिंदगी गुजारे उसका क्या हो सकता। अलम तरा, क्या तुमने देखा नहीं, इला रब्बी का अपने रब की तरफ, कई फामद जिल्ला, कैसे उसे साए फैला दिए। साए जमीन पर फैलते हैं ना, साए कैसे फैला दिए। बोला उशा आला जा अला हुसाकिनन, अगर अल्लाह चाहता उन्हें साकिन कर देता लेकिन ऐसा नहीं किया। सुम्मा जा अल्ला शम्स अलैहि दलीला, सूरज को इन सायों पर दलील बना दिया, यानी सूरज की रोशनी के साथ साए हरकत करते हुए देखे, सूरज पीछे आ गया तो साए कैसे चेंज हो गए हैं। अगर साए एक ही पोजीशन में रहते ना तो जहां पर साए होते वहां पर पौधे ना पनप सकते, और जहां पर धूप पड़ती वहां धूप से पौधे सड़ जाते, हर दो तरफ से नुकसान होता और जिंदगी भी बरकरार ना रहती। तो अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है, साए और धूप का खेल सारे दिन सारा दिन चलता रहता है, जिसकी वजह से एक बैलेंस्ड टेम्परेचर और साया शेड एंड टेम्परेचर इक्वली मिलता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से दुनिया दुनिया के ऊपर ये जो हमारा ग्लोब है उसके ऊपर जिंदगी चलती है। तो अल्लाह कहते हैं अगर मैं साकिन कर देता तो तुम क्या करती। और सूरज को दलील, दलील कहते हैं बुनियाद को, बुनियाद बना दिया ना अल्लाह ने, जैसे जैसे सूरज की रोशनी है वैसे वैसे साया चल रहा है। सुभान अल्लाह, तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। सुम्मा फिर कबज ना हो, समेट लेते हैं हम उसको, इलेना अपनी जानब कब्जन यसीरा, समेटना आसानी के साथ। और फिर जब सूरज डूब जाता है हम सायों को समेट लेते हैं, यानी साये खत्म हो जाते हैं। वो हुवल्लज़ी, वही रब है जिसने जाला बना दिया, लकुम तुम्हारे लिए, अल्लैला रात को लिबासन लिबास, वन नौमा सुबातन, और नींद को तुम्हारी राहत का जरिया। आप कितने थके होते हैं और सोकर उठते तो फ्रेश हो जाते हैं, ये है अन्नौमा सुबाता। वजा अलन नहारा नुशूरा, और दिन को तुम्हारे लिए जे उठने का वक्त बनाया, जब सो जाते हैं कुछ होश नहीं होता, सुबह जब उठते हैं तो गोया एक नई जिंदगी आगाज। वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब इंसान सोता है तो उसकी रूह ले जाई जाती है, फिर अगले दिन वो रूह उस पर लौटा दी जाए। इसीलिए हम जब उठते हैं तो दुआ भी पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना वालेहिन नशूर, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें हमारे इस सोने के बाद, मरने के बाद जिंदा किया, और उसी की तरफ हमारा उठाया जाना भी होगा, जैसे आज नींद के बाद हमारे रब ने उठा दिया, मरने के बाद भी वो हमें उठाएगा। मैं हैरान होती हूँ कि लोग कहते हैं मरने के बाद कोई कैसे उठेगा, जैसे सोकर उठ जाते हैं। तो जो नींद से उठाता है वो कब्र से भी उठा ले, वो मालिक है, उसका एक कुन है जी। हैरत तो मुझे हैरत करने वालों की हैरत पर होती है। वो हुवल्लज़ी, वही रब है जिसने अरसल रियाहा, भेजा हवाओं को बुशरन खुशखबरियां देकर, बैना यदई रहमती ही अपनी रहमत के आगे आगे। वही रब है जिसने अपने रहमत यानी बारिश पहले हवाएं भेजी खुशखबरी देकर। कल जब बारिश हुई तो उससे पहले कितनी अच्छी हवा चली और बाद में भी चली, बस यही जी। आप खुशबू सुनकर कहते हैं बारिश होगी, होती, ये उसका फजल है जी। वहां अंजलना, और हमने उतारा, मिन समाई आसमान से, मान तहूरा पाक पानी, बारिश का पानी पाक होता है जी। लिनुहिया बिही बल्दतन मैतन, ताकि हम जिंदा करें इसके जरिए मुर्दा शहरों को, वनुस्किया हूँ और हम उसके जरिए सैराब करते हैं, मिम्मा खलकना अनआमन, उन मवेशियों को जिन्हें हमने पैदा किया, व अनासिया कसीरा, और बहुत सारे इंसानों को। ये बारिश जब बरसती है तो उसकी वजह से जो बड़े बरसाती नाले हैं उनमें पानी आता है, वो दरियाओं में आता है और फिर दरियाओं से हम तक पहुंचता है, साइकिल है जी ये, वाटर साइकिल है, बहुत अजीम शान दर्जे पर। वलकत सरफनाहु बैनहुम लियज़क्करू, हम बदल बदल कर अपनी निशानियां बयान कर रहे हैं ताकि वो गौर व फिक्र करें, नसीहत कबूल करें कि कायनात पर गौर करो भाई, कायनात खुद गवाही देती है, उसको बड़े प्लान के साथ एक प्लान करने वाले ने बनाया। बाबा इनकार कर दिया, अक्सर उन नासी इल्ला कफूरा, लोगों की अक्सरियत है मगर बड़े ही नाशुक्र हैं।
अल्लाह कहते हैं समझाते हैं मगर समझते नहीं, अक्सर लोग इनकार कर देते हैं ईमान लाने से, क्योंकि ना शुक्रे हैं। सबसे बड़ी नाशुक्री क्या है? अल्लाह की नाशुक्री। अल्लाह हमारा रब है और हम अल्लाह को छोड़कर इधर उधर फिरते रहे, ये सबसे बड़ी नाशुक्री है। अल्लाह के वफादार बन जाना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, मसरूफ हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। वाला कल हम्दु वाला का शुक्र, चलते फिरते पड़ी वाला कल हम्दु वाला का शुक्र, और देखिए अल्लाह करीम आपकी जिंदगी को बदल देंगे, क्योंकि अल्लाह का वादा है वसा नजजिये शाकिरीन। शुक्र करने वालों को हम मजीद अदा करेंगे, तो जो नेमतें हैं उन पर शुक्र अदा करें, जो नहीं है उन पर तो सब्र करना ही है, तो है उन पर शुक्र अदा करें, तो अल्लाह पाक आसानी अता फरमा देंगे इंशाअल्लाह। वलौ शीना, अगर हम चाहते, लबअसना, हम बना देते, फी कुल्ली कुल्ली करियतिन नजीरन, हर बस्ती में एक आगाह करने वाला। यानी वैसे तो अल्लाह ने हर बस्ती में भेजे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की बात हो रही है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ गए तो फिर आप चूंकि आखिरी नबी हैं, अब कोई और नबी नहीं है, तो इसलिए अल्लाह पाक ने कहा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी दुनिया की तरफ जो है वो भेजा है हादी बनाकर, तो अगर हम चाहते तो हम हर एक इलाके में अलग अलग नबी उठा देते, लेकिन हमने आपको सारी दुनिया की हिदायत के लिए चुन लिया है, आप अपना काम करें। फला तुतील काफिरीना, आप बस काफिरों की बात मत मानिएगा, वजाहिद हुम भी जिहादन कबीरा, उनके खिलाफ मजबूत जिद्दोजहद कीजिएगा बड़े पैमाने पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बात मानेंगी नहीं थी काफिरों को, वही बात है कहना कि नुस नाना नोनू, हमें कहा जा रहा है क्या मुसलमानों कभी काफिरों की बात मत मानना, उनके पीछे ना लगना और उनके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर जिद्दोजहद करना, और आज तो हम काफिरों के आमन्ना व सद्दकना कर रहे हैं, हमारा रहन सहन ओढ़ना बिछोना उन जैसा हो गया। तुम ये कहते हो कि हो गए मुस्लिम नाबूद, हम तो कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तुम मजहब से, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिले अंजुम भी नहीं। तो भैया आज बैठे हो ना फलस्तीनी और इसराइली साथ, तो दसों के केड़ा फलस्तीनी थे केड़ा इसराइली, सीधी सी बात है। आज एक पाकिस्तानी एक इंडियन बच्ची साथ बैठी हो मुसलमान और गैर मुस्लिम, तो जरा बताएं कौन सी मुसलमान कौन सी गैर मुस्लिम, तो हम उसी हाल में रंगे गए, इसी वजह से ये सब भुगत रहे हैं, हमने अल्लाह का हद तोड़ दिया। वो वल्लजी, वही रब है, मरजल बहराइन, उसके दो समंदर मिलाए, हाजा अजबुन फुरातुन, ये मीठा और शीरी है, वहा जमील उजाजुन, और ये खारा है कड़वा है, वजाला बे नहुमा बरजखन, दोनों के दरमियान एक पर्दा है, वही जरा महजूरा, बंधा हुआ है मजबूती के साथ। समंदरों में रवें चलती है, इनकी लहरें चलती हैं, करंट उसको कहते हैं, वो जो लहर होती है ठंडे पानी की, गर्म पानी की, नमकीन पानी की, मीठे पानी की, वो साथ साथ बह रही होती है मगर वो मिलती नहीं है, बास जगहों पर तो पानियों का रंग भी अलग है, मगर ऐसे दो तीन मकाम आते हैं, मगर हर समंदर में ऐसे ही है, हर समंदर में ऐसे ही है, उसको बहरी रो कहते हैं और इंग्लिश में उसे करंट कहते हैं, हर एक लाइन अलग होती है, वैसे पानी मिला हुआ है लेकिन वो उनकी उनका जो होता है ना वजन अलग होते हैं, कि पानी कोई हल्का कोई भारी, तो एक दूसरे में मिक्स नहीं होती, बस ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, नमकियात का फर्क है। वह वल्लजी, वही रब है जिसने खला का पैदा किया, मिनल माई पानी से, बशरन इंसान को, जब मियाँ बीवी इकट्ठे होते हैं तो जो वाटर डिस्चार्ज होता है उसी में से स्पर्म पैदा होता है ना, यानी कि वो उसी में से एक कतरा जो है वो अगर मीट कर गया तो तख्लीक का अमल शुरू हो जाता है, उसी को अल्लाह पानी कह रहे हैं, तो जो डिस्चार्ज होने वाला पानी है उसी से इंसान पैदा होता है ना, और फिर आप देखेंगे पानी का एक कतरा है जो औरत की तरफ से आता है, एक कतरा है जो मर्द की तरफ से आता है, और जब अल्लाह का हुक्म होता है वो मिलते हैं, तो फिर वो पूरे तख्लीकी मराहल से गुजर कर कैसा हसीन बच्चा पैदा होता है। अभी मेरे अजीज है, उनकी बेटी हुई है, तो मैं देखने गई थी, तो मैं वही हमेशा ही मैं हैरान होती हूँ, ऐसे अल्लाह पोर पोर बनाते हैं ना, पोर पोर, ऐसे एक एक आईब्रो और आई लैशेस, एक एक आई लैश बनी होती है ना, कैसा माशाल्लाह माशाल्लाह तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, मैं उस रब की शान के सदके जो इस तरह हसीन इंसान पैदा करता है,
और आप देखिए किस लेवल पर ना एक एक पोर बना होता है, कितना बारीक है वो। और ये तो हमें नजर आता है, जो आंखों के पीछे नर्व्स हैं, जो दिल के पीछे नर्व्स हैं, अल्लाह हू अकबर, वो बना सकता है, बस वो बना सकता है। तो आप देखिए कि पानी के कतरे से ये इंसान पैदा हो, क्या ये देखकर समझ नहीं आती कि एक पानी के कतरे से जो रब ऐसा हसीन बच्चा पैदा कर सकता है, वो दोबारा नहीं उठा सकता। ये अकलें इतना नहीं बताती, जो बच्चा पैदा हुआ कहाँ से आ गया, उसका हुक्म है बस, उसी के हुक्म से कब्रों से भी निकल आएंगे इंशाल्लाह। और ऐसा तो होना तय है, ये तो अल्लाह का वादा है, ये तो होके रहे। फजालहु नसबम वसीहरा, और फिर उसे बड़ा किया, उसे नसब वाला ससुराल वाला बनाया, ये खून के रिश्ते दिए, ससुराल के रिश्ते दिए। वकाना रब का करीरा, तेरा रब बड़ी कुदरत वाला रब है। वयाबुदूना मिन दूनिल्लाहि, वो इबादत करते हैं अल्लाह के माँ सिवा की, अल्लाह के सिवा दूसरों की। माला यंफउहुम वला यजुरुहुम, तो ना उन्हें नफा देते हैं ना उनको नुकसान देते हैं। वकानल काफिरु अला रब्बिही जहीरा, और काफिर अपने रब के मद्दे मुकाबिल पीठ फेरने वाला है, यानी अपने रब से मुंह मोड़कर चले जाते हैं और दूसरों के दरों पर जाकर बैठे रहते हैं। पमा अरसलना का, नहीं भेजा हमने आपको इल्ला मुबशिरन, मगर खुशखबरियां देने के लिए, व नजीरन, और वार्निंग देने के लिए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जन्नत की खुशखबरियां सुनाइए, जहन्नम के खतरे से आगाह कर दे, बाकी सब अपने रास्ते चुनने के लिए आजाद है, जिसका जो दिल चाहता है करे। कुल कह दीजिए, मा असअलकुम अलैहि मिन अजरिन, मैं इस तकलीफ का तुमसे बदला नहीं मांगता, इल्ला मन शाआ, मगर जो चाहता है, अय्यतखिजा, वो बना ले, इला रब्बी सबीला, अपने रब की तरफ अपना रास्ता। मैं तुमसे अपनी तबलीग का कोई बदला नहीं मांगता, पैसे नहीं चाहिए मुझे, उजरत नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि इंसानों में से जो अल्लाह का बंदा बनना चाहता है वो आए, उसके लिए रास्ता खुला। तो अल्लाह का बंदा बनने के लिए क्या करना होगा, कुरान और सुन्नत अपनाना होगा, बाद में पीछे लग के कुछ नहीं मिलना। जो बतवक्कल, भरोसा करो, अलल हय्यी, उस हई जात पर, अल्लज़ी ला यमूत, जिसे मौत नहीं आएगी। अल्लाह के सिवा कोई एक हस्ती ढूंढ कर ला दे भाई, जो हई हो और ला यमूत, हई जो सदा से जिंदा है, जिंदा किया नहीं गया, है कोई ऐसा? और वो जो ला यमूत हो, जिसे कभी मौत नहीं आनी, कोई है ऐसा? जिब्राइल मरेंगे, वो भी मरेंगे, सबने मरना है, ये पूरी यूनिवर्स खत्म हो जाएगी, सिर्फ अल्लाह बाकी रहेगा। हई भी वो है, कयूम भी वो है, हयुल्ला ला यमूत, हय्युल्लज़ी ला यमूत, सिर्फ वही रब हमेशा से जिंदा है और उसे कभी मौत नहीं आई। जिसमें ये सिफत उसे रब बना लो जाकर, किसी में नहीं है ना, तो फिर क्यों पुकारते? जब अब्दुल कादिर जिलानी नहीं थे तो दुनिया की मदद कौन करता था, जो गौसे आजम बनाए बैठे हो? जब अली बिन उस्मान हजवेरी पैदा नहीं हुए थे तो लाहौर को कौन संभाले हुए था? और जब वो मर गए तो उनके मरने के बाद कहते वो संभाले हुए कैसे? कहानी अजीबो गरीब बातें। बस सब भी हम दी ही, उसकी तस्बीह करो उसकी हमद के साथ, क्या पढ़ो, सुबहान अल्लाह ही व बिहमदी ही, सुबहान अल्लाह लाजीम, बार बार कुरान में आता है, ये सबसे अजीम तस्बीह है, पढ़ते रहा करो। इसीलिए आप देखें सजदे रुकू में यही रखा गया है, सुबहान रब्बी यल अजीम, सुबहान रब्बी यल आला। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलीमतानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीजानी हबीब अतानी रहमान, दो कलीमे हैं, जुबान पर हल्के, मीजान में भारी, और रहमान को बड़े महबूब है। सुबहान अल्लाह व बिहमदिही, सुबहान अल्लाह लजीम, बस पढ़ते रहिए, नामा अमल का वजन बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। वकफा भी जनूबी वादी खबीरा, वो काफी है अपने बंदों के गुनाहों को जानने के लिए। अव्वल तो नामा अमल मुरतब हो रहे हैं, अल्लाह कहते हैं ना भी मुरतब हो रहे हैं, मुझे तो पता है ना क्या करतूत करके आओगे, हिसाब तो मैंने करना, तो किस बिना पर सरकशी कर रहे हो? अल्लज़ी खलक समावाती वल अर्ज़ व मा बैनहुमा, वही रब है जिसने आसमान और जमीन और उसके माबैन हर चीज को बना दिया, फी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में। सुम्मा स्तवा अलल अर्श, और फिर वो अपने अर्श पर मुतमक्किन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अर रहमान, वो रहमान है। फसअल बिही खबीरा, नहीं पता, जाओ उनसे पूछो जो बाखबर है, कौन है? अहले किताब। आज तो हम अहले किताब हैं, उस वक्त की बात हो रही जब कुरान उतर रहा था, कुफार को कहा जा रहा है, तुम्हें यकीन नहीं आता मोहम्मद की बात पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ यहूदियों से पूछो, ईसाइयों से पूछो, ये बात तो रहे इंजील सब बयान करते हैं, इंतहा ये है कि हिंदुओं की किताबें भी बयान करती हैं, वहीं से तो ये लोग
जो है इन्होंने जब इसमें बहस की, मुतशाबहात है तो इसमें बहस की तो गुमराह हुए, तो आज भी वो बना हुआ है, वो संगे मरमर का तख्त बना हुआ है, उस पर विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, एक हाथ पर चक्र चल रहा है, एक हाथ पे फूल पकड़ा हुआ है, वो बनाए नहीं होते सभी, इसी का बिगड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है और क्या है। तभी तो उनके यहाँ भी वही आई होगी। मैंने आपसे कहा कि मोहिंजोदड़ो हड़प्पा 8,000 साल से भी ज्यादा कदीम है, और इतनी अजीम तहजीब पे क्या नबी नहीं आए होंगे? कैसे हो सकता, बहुत आए हो, और जाहिर है लोकल होंगे, जो नबी जिस कौम पर आते हैं उसी की जुबान बोलता है, तो यहाँ भी किताबें आई होंगी, वो अलग बात है कि उन्होंने जाया कर दी। अगर आप बहसी तहजीब देखें ना, तो हिंदुस्तान की तहजीब कदीम और अजीम, वो अलग बात है कि बुत परस्ती के जरिए सब कुछ डबो दिया। वाइजा की ललहम, जब उनसे कहा गया उसजुदुल रहमान, सजदा करो रहमान के लिए, कालू कहते हैं वमर रहमान, क्या रहमान रहमान लगा रखी है, अनसुदूरी माता अमूर ना, हम उसे सजदा करें जिसका तू हमें हुक्म दे, और ज्यादा हम नफूर, और उनकी नफरत बढ़ जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि रहमान नाम से वाकिफ नहीं थे, कितने सहाबा के नाम अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला, उनकी माँ ने रखा था नाम, तो मुसलमान भी नहीं थी। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का नाम अब्दुल्ला था, और कितने ही अब्दुल रहमान अब्दुल्ला आपको मिलेंगे, रहमान अल्लाह का नाम इनने ये जानते थे, चढ़ते थे सिर्फ किस बात से, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे सिर्फ अल्लाह को सजदा करो, किसी और को करना हराम, इस बात से चढ़ते कि अच्छा तुम कहो तो हम सजदा करें, तुम मना करते तो हम रुक जाएं। ये ऐसे ही है जैसे अभी ये जो कोकब नूरानी साहब ने कुछ अर्सा पहले इरशाद फरमाया, और फिर दो तीन लोगों ने कहा और भी, कि जी कब्र पर जो सजदा करते हैं वो शिर्क नहीं है, क्योंकि वो इबादत का सजदा नहीं है, मोहब्बत का सजदा है, समझ गए? तो ये तकलीफ होती है ना इनको, तो फिर इस तरह की ऊटपटांग बातें करते, ये इतना नहीं मानते कि हाँ सजदा अल्लाह के सिवा किसी के लिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ना कहते थे अल्लाह के सिवा किसी को सजदा ना करो, उस पर कहते थे अच्छा तो रहमान को सजदा करे, अपने हम इलाहों को सजदा ना करे, तुम जिसे कहो सजदा करे, तुम जिसे कहो कहो छोड़ दे, ये झगड़ा मचाते। तबारक अल्लज़ी बाबरकत है वो रब जिसने जाला बना दिया, फिस समाई बुरूजन आसमानों में बुर्ज, बुर्ज से मुराद वो मकामात हैं जहां पर फरिश्तों की चौकियां हैं और वो आसमानों की हिफाजत करते हैं। वजाला फीहा सिराजन, और उसने बनाया आसमान में सूरज, व कमर मुनीरा, और चमकने वाला चांद, सिराज के अंदर माना पिन्हा है, इट सेल्फ रोशन, तो सूरज खुद रोशन है, और मुनीर का मतलब है नूर को, रोशनी को रिफ्लेक्ट करने, रिफ्लेक्टर को कहते हैं, तो चांद रिफ्लेक्ट करता है, आज साइंस जानती है। वो हुवल्लज़ी, वही रब है जिसने जअल लैला वन नहारा खिलफतन, दिन रात को बनाया, आगे पीछे आते जाते हैं, खिल एक दूसरे के पीछे अके वाले को कहते हैं ना खलीफा, जो नायब हो, तो दिन रात का नायब है, रात दिन की नायब है, आगे पीछे जोड़ी है, चलते रहते हैं। लिमन अरादा, जिसका दिल चाहे, अय्यज़क्करा नसीहत कबूल करे, औ अरादा जिसका दिल चाहे शकूरा शुक्रगुजार हो जाए। अल्लाह कहते देखो दिन रात में निशानी है तुम्हारी, दिन रात से टाइम बनता है ना, दिन रात रुक जाए तो टाइम रुक जाए हमारा, तो अल्लाह ने बनाया ना दिन रात हमारे लिए, तो अल्लाह पाक कहते देखो कितना अजीम सिस्टम है, दिन रात बनना कोई सादा बात नहीं है, इतना बड़ा सोलर सिस्टम और ये सारा निजाम चलता है, तो ये दिन रात जो है वो बनते हैं। सही, तो ये दिन रात अल्लाह की अजीम निशानियों में से, ये पूरे कायनात के सिस्टम की तरफ इशारा करते हैं, और इतना अजीम सिस्टम किसी चलाने वाले के बगैर नहीं चलता, किसी बनाने वाले के बगैर नहीं बनता, तो अल्लाह कहते हैं दिन रात पर ही गौर कर लो, अपने वक्त पर ही गौर कर लो, अगर गौर कर लोगे तो नसीहत मिल जाएगी, दिल चाहे तो नसीहत कबूल करो, दिल चाहे तो शुक्रगुजार हो जाओ, ना चाहे तो ना हो, मेरा क्या बिगाड़ोगे, शुक्र करोगे तो अपने लिए करोगे, नसीहत कबूल करोगे तो अपने लिए करोगे, अल्लाह तो है ही रब, उसको क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वा इबादुर्रहमानी, बंदे हैं रहमान के, अल्लजीना वो जो, यमशूना अलल अर्जी हाउना, जमीन पर चलते हैं आजजी के साथ, इससे मुराद कोई पॉस्चर नहीं है, जैसे जो ये है ना हमारे बरेलवी बहन भाई, तो वो लड़के भी चलेंगे ना ऐसे झुक कर और ऐसे, ये नहीं मुराद, मतलब ये मुतकब्बर नहीं होना चाहिए, बस तकब्बुर नहीं होना चाहिए, बाकी ऐसे झुक झक कर चलना पसंदीदा नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ नजर आनी चाहिए, ठीक है।
मतलब असल बात ये मुतकब्बर नहीं है, सिर्फ इतनी बात बताना मकसूद है, तकब्बुर नहीं है। वाइजा खा तबहुम जाहिलूना, जब उनसे जाहिल मुखातिब होते हैं, कालू सलामा कहते, अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या मतलब है? जब बेवकूफ लोग बिला वजह की बहस करते, झगड़ा करते, तो वो झगड़े में नहीं पड़ते। यानी कि अगर फर्ज करें, अल्लाह ना करे, मैं आपसे लड़ पड़ूं और मैं आपको बुरा भला कहना शुरू कर दूं, तो आप समझदार हैं तो आपको क्या करना चाहिए? चुप करके साइड पर हो जाओ। ये बात, अगर मैं भी आपकी, आपको मैं दो कहती हूँ, आप मुझे चार सुनाती हो, तो फिर दोनों एक जैसे हो गए। तो अगर किसी से झगड़ा हो जाता है, कोई बदतमीज बंदा मुंह लग जाता है, तो चुप कर जाना चाहिए। तो हाल ही है ना, इल्ताफ हुसैन हाली, तो उन्हें एक बंदे ने खत लिखा और उसमें उनको बहुत बुरा भला था कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम फलाने, तुम ढमकाने, तुम अंग्रेजों के पिट्ठू, तहरीके साथ चला रहे थे जाहिर। तो एक उन्होंने पढ़ा खत, एक तरफ रख दिया, तो उनके अब एक साथी कहने लगे कि अब जवाब नहीं देंगे। वो कहने लगे, गधा तुम्हें लात मारे तो क्या जवाब दो, अब ये गधे को लात मारे है ना, तो क्या किया जाए? कुछ नहीं। तो गालिब का खैर, वो तो लतीफा सही है, गालिब को किसी बंदे ने खत लिखा और उसमें गालियां दी माँ की, गालिब ने साइड पे कर दिए। तो उनके एक स्टूडेंट कहने लगे कि मिर्जा अब जवाब भी देंगे। कहने लगे, ऐसे बदमजाक बंदे को क्या जवाब दूं जिसे गाली देने की भी तमीज नहीं है? जवान बंदे को जो है ना, माँ की गाली देनी चाहिए, उस माँ से ज्यादा अटैच होता है, उसे गुस्सा ज्यादा आता है। शादीशुदा नए नए को बीवी की गाली देनी चाहिए, और मुझ जैसे बुढ़े को तो बेटे की गाली देनी चाहिए, जिसे गाली देने की तमीज नहीं, उसे जवाब क्या दो? वो मजाकिया आदमी थे, उनकी तबीयत में मजाक बहुत था, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में बात की। कहने का मकसद ये है कि अगले ने बदतमीजी की, हम क्यों करें? हम क्यों उनके लेवल पर, हम तो नहीं है ना उन जैसे। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदतमीजी करते, गालियां भी देते, वाकियातन गालियां देते, मारते, आप पर मिट्टी फेंक देते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं कहते थे, आप अपने बालशाल झाड़ के अपने काम में लग जाते थे। अब देखने वाले, ये नहीं है कि देखने वालों पर असर नहीं होता, नहीं होता, होता है। उन्होंने देखा इस बंदे का जर कितना बड़ा है, ये तो कुछ नहीं कहता पलट के, ये तो उनकी बदतमीजी को इग्नोर कर देते, इस बंदे में कितनी बर्दाश्त है, ये तो पलट कर थप्पड़ नहीं मारते। तो ये चीजें, अखलाक जो है ना जी, अखलाके करीमाना, उनका अपना असर है। और दुनिया में सबसे बड़ी तलवार जो है ना, वो नेकी की तलवार, अच्छाई की तलवार, अच्छाई से और अखलाक से बड़ा कोई हथियार नहीं। तो अगर आप कुछ कर सकते हैं, तो दूसरे की बुराई को अपनी अच्छाई की तलवार से खत्म कर, ये सबसे बेहतरीन काम है। लिहाजा जब जाहिल लोग बहस करते हैं, उलझते हैं, तो वो नहीं करते, वो कहते हैं वो जाहिल है, मैं तो नहीं हूं ना, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? हट जाए, उसके सामने से हट जाए, उसे भी मौका दे, ठंडा हो जाए, समझ आए? वल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, यबीतूना, रातें गुजारते हैं, ली रब्बी हम अपने रब के लिए, सुज्जदम व कयामा, सजदे करते हुए कयाम करते हुए, यानी कि रात को उठ जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। वल्लज़ीना यकुलूना, और ये वो लोग हैं जो दुआएं मांगते हैं, रब्बना सरिफ अन्ना अजाब जहन्नमा, ए अल्लाह हमसे जहन्नम का अजाब फेर दे, इन्ना अजाबहा काना गरामा, जहन्नम का अजाब तो तबाह हो जाने कर देने वाला, चिपक जाने वाला है, गरामा होता है जो चिपक जाए, के जहन्नम का अजाब तो चिपक जाने वाला है, मुसल्लत हो जाएगा ना, जो जहन्नमी हो गया फिर कहाँ निकलना है उससे, अल्लाह माफ फरमा दे। इन्ना साअत मुस्तकर्रम व मकामा, बेशक जहन्नम बदतरीन ठिकाना है, बदतरीन कयाम गाह है, अल्लाह हमें बचा ले। यानी कि इतने नेक हैं और तहज्जुद गुजार हैं, मगर फिर रो रो कर मगफिरत की दुआएं मांगते। वल्लजीना, ये वो लोग हैं, इजा अनफकू, जब वो खर्च करते हैं, लम यूसरफू, इसराफ नहीं करते, वलम यक्तुरू, ना बखील हो जाते हैं, यानी पैसा खर्च करते हुए इसराफ भी नहीं करते, फजूल खर्ची भी नहीं करते और बुखल भी नहीं करते, दोनों बातें गलत है। जैसे शादियों के ऊपर, एक मुझे किसी ने शादी का वीडियो दिखाया अपने एक अजीज का, तो उन्होंने कबाली नाइट कराई थी, और उन्होंने इतने 500-500 के नोट उठाए हुए थे, सीरियसली इतने लुटाए हुए थे कि ना फर्श नजर नहीं आ रहा था, इनके वो जो कारपेट बिछा था वो नजर नहीं आ रहा था, नोट ही नोट नजर आ रहे। अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कपड़े में हैरान होती हूँ, लॉन के कपड़े 10-10, 15-15 हजार के जोड़े, अल्लाह को जवाब नहीं देना, मरना नहीं है, पहने अच्छा कपड़ा पहने, लेकिन एक औकात, एक हद के अंदर नहीं, आपके पास माल है तब भी हद से ज्यादा खर्च ना करो, तो इसराफ नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ बुखल भी नहीं, फट्टे टूटे कपड़े पहनकर घूमे, अल्लाह नापसंद करते हैं, हद से भी नहीं आती, तब आप खुशहाल है नजर आना चाहिए। मैं, आप लोग आते हैं, मैं क्यों जो है तैयार होती हूँ, क्यों साफ सुथरी होती हूँ? भाई
आपको कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छी हालत में हूँ बुरी हालत में? ये तो अल्लाह की नाशुक्री है ना, ये यानी कि अल्लाह का बुरा, अल्लाह को बुरा दिखाना है कि जी मैं बदहाल होकर बैठी रहूँ, फटे कपड़े पहनकर बैठी रहूँ। तो आप यही सोचेंगे ना कि शायद ऐसे कुल है कुछ नहीं चाहिए। तो ये अल्लाह पाक नापसंद करते हैं, लिहाजा मयाना रवि, ना फजूल खर्च हो जाए और ना ही बकील हो जाए, मयाना रवि। वकाना बैन अजालिका कवामा, उनका रास्ता इन दोनों के दरमियान एतदाल वाला होता है। ठीक है, तो एतदाल के साथ अल्लाह की राह में भी पैसा लगाएं, अपनी जात पर भी लगाएं, कोई मना नहीं है। अच्छा कपड़ा पहनना पसंदीदा है, अच्छा जूता पहनना पसंदीदा है, इसमें कोई एतराज की बात नहीं। वल्लज़ीना ला यदऊना मा अल्लाही इलाहन आखरा, देख लें जी तौहीद से बात शुरू हुई, तौहीद पर आ गई। और ये वो लोग हैं जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे इलाह को नहीं पुकारते, उनका कोई दाता साहब नहीं है, उनका कोई गौसे आजम नहीं है, उनका कोई इमाम बरी नहीं है, उनका सब कुछ अल्लाह है बस। वला यक्तुलून नफ्स अल्लती हरम अल्लाह इल्ला बिल हक, वो किसी जान को कत्ल नहीं करते जिसे अल्लाह ने कत्ल करना हराम किया हो सिवाय इसके को कोई सबब हो। सबब क्या है? कातिल को कत्ल किया जाएगा, जानी अगर शादीशुदा हो उसे रजम किया जाएगा, लवातत की सजा भी मौत है, बगावत की सजा मौत है वगैरह। लेकिन ये सजाएं अदालतें देंगी, ये सजाएं कोई पर्सनली नहीं देगी। पर्सनल ऐसी सजा देने वाले कातिल हैं, उन सबको सजाएं मौत होनी चाहिए, ये सजा अदालत देगी, अदालत में जाए और केस कर। तो यानी वो किसी की जान नहीं लेते। वला यज़नूना, जिना नहीं करते। वमन यफल जालिका, जो ऐसा करेगा, यलका आसामन, तो वो गुनाह का इर्तकाब करेगा, जो इनमें से कोई काम करेगा वो गुनेगार हो जाएगा। युज़ाफ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामती, दुगना अज़ाब दिया जाएगा उसे कयामत के दिन। व यख़लुद फ़ीही मुहानन, और वो हमेशा रुसवा होकर वहां पड़ा रहेगा। कहां जी? जहन्नुम। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं जो बंदा ये इनमें से कोई गुनाह करेगा जो अल्लाह ने गिनवाए हैं, तो अल्लाह पाक कह रहे हैं उसे जहन्नुम की सजा मिले। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार इल्ला मन ताबा, सिवाय उसके जो गुनाह के बाद तौबा कर ले। गुनाह अगर हो गया तौबा कर ले। वा आमना ईमान लाए, वा अमिला आमलन सालिहन, और नेक काम करने लगे। समझ गए? गुनाह हो गया तो मायूसी की बात नहीं है, तौबा करे। क्योंकि शैतान ने कहा ना सूरह आराफ में आपने पढ़ा, अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैं इनको बहकाता रहूंगा। अल्लाह ने कहा मुझे भी मेरी इज्जत की कसम, जब तक तौबा करते रहेंगे मैं माफ करता रहूंगा। तो तौबा कर, अगर गुनाह हो गया कौन है जो गुनहगार नहीं है? सब है जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तमाम औलादे आदम खताकार है, सब खताएं करते हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले मैं क्लास में पूछ रही थी, मैंने कहा कौन कहता है जी कि रमजान में मैंने कोई गिबत नहीं की, तो माशाल्लाह कई खवातीन ने हाथ उठाए। और एक दो बातें मैंने पूछी तो सबने हाथ उठाए। मैंने कहा भाई आप तो अजीम लोग हैं। होगा, उन्होंने नहीं किया होगा, मैं शक नहीं कर रही, मैं सिर्फ हैरत का इजहार कर रही हूँ। हम इंसान कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं, और कभी हमें एहसास होता है कभी नहीं होता, कभी कुछ अरसे बाद जाकर होता है। तो जब गलती का एहसास हो तौबा कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम औलाद आदम खताकार है, बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा में जल्दी करे। तो तौबा कर, जो माफी कर मांग लेता है, फौलाए का युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन, यही वो लोग है जिनकी बुराइयों को अल्लाह भलाइयों में बदल देगा। समझ गए? जब एक बंदा तौबा करता है ना, उसकी बुराई मिटा दी जाती है, एक नेकी लिख ली जाती है। ऐसा है हमारा ना, तौबा करें तो सही है। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, अल्लाह बख्श देता है, मेहरबान है। वमन ताबा, जो तौबा करे, वा अमिला सालिहन, नेकोकार हो जाए, फा इन्नाहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, तो बेशक वो पलट आता है अल्लाह की तरफ। पलटना, जो तौबा करे और नेक काम करे और अल्लाह की तरफ पलट आए, तो उसका पलट आना बड़ा मकबूल है, अल्लाह बड़ा पसंद करते, अल्लाह मेहरबान हो जाते, अल्लाह तो है ही तवाब। वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूरा, ये वो लोग हैं जो झूठ के गवाह नहीं बनते, झूठी गवाहियां नहीं देते। अब जरा देखिए आपके सारे आलम मशहूर मशहूर और सारे सियासतदान, ये करेक्टर देखिए कहीं मैच करते हैं उनके साथ? सब झूठ पर एक दूसरे के गवाह हैं कि नहीं? वाइज़ा मर्रू बिल्लग़वी, जब वो गुजरते हैं लफ्ज़ पर से, मर्रू किरामा, शरीफ वजीज लोगों की तरह गुजर जाते हैं, बेकार काम पर तवज्जो ही नहीं देते। अगर रोक नहीं सकते ना, तो नजरअंदाज करके निकल जाते। यानी ये छोटी सी बात है,
फिल्म चल रही है, आप किसी के घर गए हैं, उन्होंने बड़ी एलईडी लगाई हुई है और उसके ऊपर फिल्म चला कर बैठे हुए और रोमांटिक सीन चल रहे हैं, अब आपके बस में नहीं है, आप बंद नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप नजरअंदाज कर देंगे, बुक्स लाई होंगे जरा कुछ वल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, इजा जब जुक्किरू नसीहतें की जाती हैं, अच्छा भी आयाती रब्बीम, अपने रब की आयात के साथ, लम या खिरू नहीं वो गिर पड़ते, अलैहा उस पर, सुमन बहरे व उमयानन अंधे होकर, ये वो लोग हैं जब अपने रब की आयतों के साथ उनको नसीहत की जाती है तो वो बहरे अंधे होकर नहीं गिरते इन पर। समझ आई इस बात की कि अल्लाह की आयतों पर भी गौर व फिक्र करते हैं, बेवकूफों की तरह नहीं जिंदगी गुजारते। बंद हो गया आवाज से। हाँ जी, अल्लाह कह रहे हैं जब अल्लाह सुबहाना व तआला की आयतों से नसीहत किए जाते हैं, अंधे बहरे बनकर नहीं गिरते, खुद भी गौर व फिक्र करते हैं। यानी कि एक छोटी सी बात आपकी आम जिंदगी से मैं मिसाल देती हूँ, बुढ़े होने को आ गए, बहस चल रही है जी रफा यदैन करना है कि नहीं करना, एक ग्रो कहता करना है, एक ग्रो कहता नहीं करना, हम बेवकूफ है, हम अनपढ़ है, हम पागल है, हम खुद हदीस की किताब खोल कर नहीं देख सकते, देख सकते हैं ना, हम क्यों हमेशा चाहते हैं कि किसी मौलवी साहब का लेक्चर सुने, हदीस की किताब उठाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, सल्लु कमा रअयतमू नी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखो, उठाए बुखारी खुद पढ़ ले तरीका नमाज का। यही हाल हर चीज में, फातिहा दुरूद देना है कि नहीं देना है ना, एक ग्रोह है जो कहता है कि भाई बिल्कुल ना दे बिद्दत है, दूसरा ग्रोह कहता है क्या उन्होंने बनाई ये बानी, मर गया मरदूद ना फैतिया ना दुरूद, तो दिलों को परेशानी आती है, क्यों आती है? क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, उठाएं बुखारी किताबे अहकामुल जनाइज पढ़े, जनाजे के अहकाम क्या है खुद देखें, पता चल जाएगा सुन्नत क्या है बिद्दत क्या है, कब्र पक्की करें ना करें, कब्र पर मोमबत्ती जगाए ना लगाए, कब्र पर फूल डालें ना डालें, कब्र पर यासीन पढ़े ना पढ़े, खोलो बुखारी खोलो, दूर जाने की जरूरत ही नहीं, बुखारी खोलो, बाब अहकामुल कबूर खोलो, कब्र के क्या अहकाम है खुद पढ़ लो, आता है ना पढ़ना। तो बात यह है कि अंधे बहरे बनकर लोगों के पीछे नहीं लगना, क्या करना है खुद सोचना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुलेमान अलैहि सलाम ने कुछ सरकश जिन्नात को समंदर की तह में कैद किया था, कुर्बे कयामत के करीब वो शयातीन आजाद होकर निकलेंगे और वो लोगों को कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाएंगे, क्यों? वो कुरान पढ़ने के लिए निकलेंगे, वो कुरान को मिस इंटरप्रेट करने के लिए निकलेंगे, कुरान के गलत मफहूम बताने के लिए निकलेंगे, ये बिल्कुल सही हदीस है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शयातीन लोगों के पास आएंगे और उनसे कहेंगे मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूँ, और उसको कोई नहीं जानता होगा और वो चला जाएगा शैतान हदीस सुनाकर झूठी, तो बाद में कोई कहेगा मैंने ये हदीस सुनी तो है, बस बंदे की शक्ल याद है मुझे, मैं जानता नहीं बंदा कौन है। देखिए कितनी आपने डिटेल्स बता दी हमें, आप देखिए हदीस वही सुना सकते हैं जो सहाबी हो, तो जो सहाबी है वो तो सब एक दूसरे को जानते हैं जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं, जो मदीने में आया रहा वही सहाबी है ना, तो जो मदीने में कुछ दिन रहा, छोटा सा मदीना था इतना सा, तो उस मदीने के अंदर लोग एक दूसरे को जानते थे, जो बाहर से आता था उसको भी जानते थे, तो कैसे हो सकता है कि कोई अननोन बंदा हदीस सुना जाए, ऐसे झूठी हदीसों के फितने में। खैर कहने का मतलब ये है अपना भी दिमाग इस्तेमाल करें, जैसे एक खातून ने मुझे कहा कि उनको किसी खातून ने कहा 21वें पारे दे विच ना 11वीं दा सबूत मौजूद है, आयत विच हुक्म आया, मैंने कौन सी आपने आयत पूछनी थी, पारे में आया था, पारे की आयत बता दो, तो इस तरह अंधा बहरा नहीं बनना। जो आपको कोई खिलाफे मामूल बात बताए जरा खोले, और खास तौर पर जो झगड़े वाली बातें हैं उनमें अकल इस्तेमाल करें, तहकीक करें। वल्लज़ीना, और वो लोग, यकूलूना जो कहते हैं रब्बना, ए हमारे रब, दुआ एक और आ गई, पहले आपने दुआ देखी, अल्लाह कहते हैं मैंने ये बंदे रातों को दुआएं मांगते, अल्लाह हमें जहन्नुम से बचा ले, अब देखें दूसरी दुआ आ गई, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रियातिना
आयुन, ए अल्लाह हमारी बीवियों को, और बीवियां दुआ मांगी हमारे शोहरों को, जौज है ना, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, हमारे साथियों को और हमारी औलादों को, हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और हमें मुत्तकी लोगों का सरबरा बना, हमारी फैमिली को मुत्तकी कर दे। अगर हम अपने बच्चों के लिए दुआ मांगे और हमारे बच्चों में तकवा आ जाए, तो हमारे नाफरमान कैसे होंगे, है ना, मगर हम मांगते नहीं। उलाई का युजजौनल गुरफता बिमा सबरू, यही लोग हैं जो बुलंद मर्तबे पाएंगे, बुलंद मंजिले पाएंगे सबर की वजह से। गुरफा कहते हैं बालाई कमरे को, बाला खानों को, झरोके जो ऊपर बनते हैं उनको कहते हैं। वही लक्कौ नफीहा तहियतम व सलामा, और उन पर डाले जाएंगे वहां दुआए खैर और सलामती, यानी कि फरिश्ते वगैरह आएंगे, मोमिनीन भी एक दूसरे से मिलेंगे जन्नत में, उनके घर जो है वो माशाल्लाह दो दो मंजिला होंगे, कई कई मंजिला होंगे, और वहां वो रहेंगे, महलात होंगे, घर तो होंगे नहीं, और एक दूसरे से मिलेंगे खुशी के साथ, एक दूसरे को दुआएं देंगे और एक दूसरे को सलाम कहेंगे। खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे इन जन्नतों में, हसुदत मुस्तकर्रम व मुकामा, कितना अच्छा ठिकाना है, कितना अच्छा जाए कयाम है। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत अल फिरदौस व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। क्या दुआ मांगनी चाहिए, मांगनी चाहिए। एक और दुआ तासिया की है, रब्बी लींदा का बैतन फिल जन्ना, अल्लाह जन्नत में मेरे लिए घर बना दे, तो दुआएं मांगा करो। कुल कह दीजिए, मा या बाऊ बिकुम, नहीं परवाह करता तुम्हारी रब्बी, मेरा रब, लौला दुआउकुम, अगर ना दुआ हुई तुम्हारी, अगर तुम अल्लाह से दुआ नहीं मांगते, अल्लाह को भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं करते, तो दुआ तो मांगो, कम अज कम अर्ज तो डालो। और अल्लाह कहते हैं अगर तुम इतने ही बेनियाज बने हुए हो, तो मुझसे दुआ भी मांगने की तुम्हें तौफीक नहीं है, तो जाओ। वो पंजाबी में कहते हैं ना, बच्चा ना रोए थे माँ दूध नहीं पियांदी, तो अगर अल्लाह से बेनियाजी अख्तियार करोगे, तो अल्लाह तो वैसे ही बेनियाज है, वो तो है ही गनी उन अलिल आलमीन, वो सबसे बढ़कर बेपरवाह है, उसे क्या किसी की पड़ी है। तो अगर हम उसका साथ नहीं मांगते, हम उसकी रहमत नहीं मांगते, हम जन्नत के तलबगार नहीं बनते, तो उसे हमारी कोई परवाह नहीं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अल्लाह से दुआ नहीं मांगता अल्लाह गजबनाक होते हैं, कि इसको किस बात की अकड़ है, ये दुआ क्यों नहीं मांगता, तो लिहाजा दुआ मांगे। एक और हदीस में आते हैं, लोगों दुआ मांगा करो, मुझे उस रब की कसम जिसने मुझे हक देकर नबी बनाया, अगर तुम दुआ मांगना छोड़ दोगे, अल्लाह तुम्हें खत्म करके दूसरी कौम ले आएगा जो उससे दुआएं मांगेगी। तो कुछ नहीं कर सकते, तो दुआ तो मांगो, तकदीर को बदल देने वाली एक ही चीज है दुआ, तो दुआ मांगे। फकत कज़्ज़ब तुम, बस तुमने झुटला दिया, फसौफा यकूनु लिज़ामा, तो अनकरी तुम्हें चिपक कर रहेगा, तुम पर लाजिम हो जाएगा, तुमने झुटला दिया मेरी बात को, दुआ भी नहीं मांगते, झुकते भी नहीं, पुकारते भी नहीं मुझे, मुझसे बेनियाज हो गए हो, कोई बात नहीं, हुए रहो, मैंने छोड़ दिया दुनिया में, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मर के मेरे पास आओगे, फिर तुम्हें वो अजाब मिलेगा जो चिपक जाएगा, जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जहन्नुम का। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दिन में 3 बार दुआ करता है, अल्लाह मुझे जन्नत अता कर, जन्नत भी दुआ करती है कि अल्लाह मुझे इसके लिए लिख दे, और जो दिन में 3 बार दुआ करता है कि अल्लाह मुझे जहन्नुम से बचा ले, तो जहन्नुम भी उसके लिए दुआ करती है कि अल्लाह इसे मुझसे बचा ले। अंदाजा करे, और ये नहीं कि एक ही वन गो में करना, या किसी भी टाइम 3 दफा अगर दिन में 24 घंटे में अगर 3 दफा दुआ मांगे, सोचो बहाने है ना बख्शिश के, कि कोई बहाना दे रहे हो, हम तो बहाना भी नहीं देते अल्लाह, तो बस तकबुर, ये तकबुर है ना, दुआ ना मांगना क्या है, तकबुर है। ये ऐसे ही है जैसे आप अपने बच्चे को डांटे किसी बात से, और लेट सपोज नखरे का रहे, तो अपने खाने की प्लेट उठा ली, नहीं खाना मत खाओ, अब वो अकड़ कर बैठ जाए सांड की तरह, आपको और गुस्सा आएगा ना। फिर अगर आपकी सास या बहन कोई भी कहता है कि अच्छा दे दो, आप कहते रहने दो, बदतमीजी देखो, एक तो बदतमीजी कर रहा था प्लेट उठा ली, और बदतमीजी कर रहा है, ये भी नहीं कह रहा कि अच्छा मुझे खाना दे दो, होगा ना, और गुस्सा आएगा आपको। वही बात है, अल्लाह रब्बे करीम के सामने जब हम झुकते नहीं, दुआ नहीं करते, अल्लाह और गजबनाक होती, किस बात की कड़ा है इसको, क्या समझता है खुद को, क्या है ये, मेरे हरफे कुन से पैदा होने वाला ये बंदा, और मेरे सामने कड़ा है। तो लिहाजा अल्लाह को पसंद है इज्जत, अल्लाह को इज्जत पसंद है, तो गलती हो जाए झुक जाए, परेशानी आए झुक जाए, अल्लाह से कहें अल्लाह तू नहीं करना, सब उसी ने करना है, ये हमारा गुमान नहीं, तो हम गुस्ताख हो जाते हैं इंसान, जो हम कहते हैं कि
कि मैंने ये किया, मैंने किया, या हम समझते हैं कि मैं ऐसे कर लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा। हे कट्टा, कुछ भी नहीं कर सकते, जो करता है अल्लाह करता है, और जब हम कुछ करते हैं वो अल्लाह की तौफीक से करते हैं। अभी अगर मेरी आवाज बैठ जाए तो क्या पढ़ाऊंगी, मैं नहीं पढ़ा सकूंगी। अगर अभी मुझे बुखार चढ़ जाए तो क्या कर लूंगी, पड़ा रह जाएगा ना सब कुछ वहीं पर। यही बात है, सब उसके हुक्म से होता है, सिर्फ उसके हुक्म से। तो जितने भी काम हम जिंदगी में कर लेते हैं, कर नहीं लेते, वो करवा लेता है हमसे। हमारी अपनी क्या औकात है, कुछ भी नहीं। फिर वही बात है, मोशन आ जाए तो रोक के दिखाओ, और कब्ज हो जाए तो करके दिखाओ। तड़पते फिरते हैं ना, अस्तग़फिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितनी तकलीफ दी चीज है ना, जिन बेचारों को होती है, कैसे तड़पते हैं। इतना बस नहीं है हमारा कि इतनी शिद्दत है, इतनी तकलीफ है, और जाकर हम अपनी इस तकलीफ से निजात पा रहे ना, वो कहेगा तो। जब हाल ये है तो अकड़ किस बात की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब ताकतें अल्लाह के पास है जी, सब ताकतें अल्लाह के पास, सिर्फ वही मालिक है। इन अल्लाह आला कुल्ली शैई कदीर। तो जो दुआ है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय अज़ीम, इसका मतलब क्या है, मुझ में किसी नेकी की ताकत नहीं है, मेरे अंदर किसी बुराई से बचने की भी कुव्वत नहीं है, सब ताकतें अल्लाह आपके पास, आप बुलंद हैं, आप अजीम हैं, सिर्फ अपनी इज्जत का इजहार है, तो फिर अल्लाह रहम कर दे। तो सब अल्लाह करने वाले हैं जी, अल्लाह के सामने आजिज हो जाएं, अल्लाह आपको मुअज्जिज़ कर दे, अल्लाह के सामने झुक जाएं, अल्लाह आपको बावकार कर दे। तो तकब्बुर नहीं होना चाहिए और ना शुक्री नहीं होनी चाहिए, ये अल्लाह को ना पसंद है चीज़। अल्लाह की शुक्रगुजारी करें, उसकी नेमतों को बयान करें, उसकी नेमतों पर खुश हो, और जो चीजें जिंदगी में कम है उन पर सब्र करें, और अल्लाह से मदद मांगे। मदद करने वाला वो है, वो पत्थर के सीने से पानी के चश्मे जारी करता है, वो आपके लिए भी रास्ता निकाल दे, उसकी मर्जी है। तो अल्लाह हम सब पे रहम करे, और हमें बेहतरीन जो है अल्लाह से अता करे, और अल्लाह हमारी काविशों को कबूल करे, और आखिरत में हमारी ये जो छोटी छोटी काविशें हैं, अल्लाह इन्हें आखिरत में हमारे नामा अमल में वजन का सबब बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمته أجمعين. آمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.